नमस्कार। स्वर साहित्य संगम मुंबई के फेसबुक पेज पर मैं आरजे आरती हमारे सभी दर्शकों का सादर स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में श्री मारुति चितमपल्ली जी के जन्मदिन से लेकर डॉक्टर सालिम अली जी के जन्मदिन तक यानी 5 नवंबर से 12 नवंबर तक पक्षी सप्ताह मनाया जाता है। और आज पक्षी सप्ताह के प्रथम दिवस पर पक्षियों का अद्भुत संसार इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के सहायक निदेशक डॉक्टर राजू कसंबे जी। डॉक्टर साहब, स्वर साहित्य संगम मुंबई फेसबुक पेज है ये आभासी पटल पर आपका सादर स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको वंदन है। कार्यक्रम के दरमियान आपका विस्तृत परिचय हमें करवाएंगे आकाशवाणी मुंबई के सुप्रसिद्ध उद्घोषक, प्रख्यात साहित्यकार तथा आज के कार्यक्रम के सारथी श्री आनंद सिंह जी। आनंद सर, आपका भी सादर स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको भी वंदन है। और एक निवेदन भी है कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए और मुझे अनुमति। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वर साहित्य संगम के इस आभासी मंच पर जो दर्शक जुड़े हैं उनका हृदय से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद आरती सैया का और राजीव जी का, एडवोकेट राजीव जी हम ये हमेशा कहते हैं क्योंकि इन्होंने इस आभासी मंच को सजाया है। मुझे लगता है करीब हम 150 एपिसोड तक पहुंच गए हैं इनके सौजन्य से, इनके अथक परिश्रम से, और यह अनवरत गतिशील है। इसलिए राजीव जी के प्रति हम आरंभ में ही आभार व्यक्त करते हैं और आरती ने इसे सजाने संवारे में संवारने में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाई है। तो मित्रों, पक्षी का अद्भुत संसार है। मैं दो पंक्तियां से शुरू करूंगा। आंगन में अब चिड़ियों की गुपचुप बात नहीं होती, मुंडेर पर कौवा नहीं बैठता, वर्षों हुए चकोरों की पुकार सुने, कहाँ गई ये चिड़िया सारी। तो चिड़िया कहाँ गई है पता लगाए, पता ये भी लगाए ये चिड़िया क्यों गई, पता ये भी लगाए कि कैसे गई, क्यों रूठ गई चिड़िया हमसे, कि हमारे घर के आसपास जिनकी चहचहाहट सुनाई पड़ती थी, जिनकी चहक सुनाई पड़ती थी, अब नहीं सुनाई पड़ती। वो कौन है जो इन्हें जीने नहीं देता है और इन्हें कहीं दूर हटा देता है, या इस दुनिया से या अपने घरों के पास से। जंगलों में चिड़िया होंगी जरूर, लेकिन जाने कैसे कि जंगल में क्या हो रहा है, पक्षियों का जीवन कैसा है, उनका अद्भुत संसार है। उस संसार के बारे में जानने के लिए कौतूहल होता है क्योंकि बचपन से ही छोटे बच्चे रोते भी हों तो चिड़ियों को देखकर कौतुक के साथ उत्सुक हो जाते हैं और चिड़ियों को देखने लगते हैं और उनका मन बहल जाता है। तो चिड़ियों से संबंध हमारा बचपन से है और बड़ी सहजता से है। गंभीरता पूर्वक देखें, हमारा जीवन चिड़ियों से जुड़ा हुआ है, पक्षियों से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में गंभीरता पूर्वक विस्तृत जानकारी के लिए हम कहाँ जाएं? जंगल बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे जंगलों का सर्वेक्षण हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हुए नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राजू कसंबे जी हमारे सामने हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। राजू जी, हम आपका स्वागत करते हैं और मन में जो उत्सुकता है कि हम पक्षियों के बारे में जानें, बहुत सारे सवाल जो हमारे दर्शक इस पटल से जुड़े हुए उनके मन में है, जिज्ञासाएं हैं। अब सारे दर्शक तो पूछ नहीं सकते, मुझे लगता है लिखकर पूछ सकेंगे, इसलिए उनकी ओर से उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास आपको करना है, सवाल मैं पूछ लूंगा। डॉक्टर राजू कसंबे जी ने पहले दवा की कंपनी में काम किया, 17 वर्षों तक वहां अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे। इसके बाद पक्षियों से आकृष्ट हुए और पक्षियों के संसार में चले आए। पक्षियों पर आपने
पीएचडी किया है और तितलियों पर आपने, बटरफ्लाई पर आपने एमफिल किया है। ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आपकी उम्र देखकर बहुत कम लगती है, इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा अनुभव, एक तो डॉक्टरेट पीएचडी करना, दूसरा 19 पुस्तकें। पुस्तकों के बारे में भी हम पूछेंगे आपसे, विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। लेकिन जो पक्षियों का अद्भुत संसार है, एक भूमिका के रूप में ग्लांस, एक उड़ती हुई, जैसे हिंदी में एक शब्द कहते हैं विहंगम दृष्टि, तो विहग कहते हैं चिड़ियों को, पक्षियों को, और उनकी दृष्टि क्या होती है, उड़ते हुए जो दिखाई पड़ जाए उसको विहंगम दृष्टि कहते हैं। तो चिड़ियों के यानी पक्षियों के संसार पर एक विहंगम दृष्टि, संक्षिप्त सा परिचय हमें दे दे कि चिड़ियों का संसार कैसा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आपने हमें इस फेसबुक पेज लाइव के लिए आमंत्रित किया। सही में पक्षियों की दुनिया अद्भुत है, और पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं और ऊपर से हमारी तरफ देखते हैं इस दुनिया की तरफ, तो उन्हें जो दृश्य दिखता होगा वो विहंगम ही, उसे विहंगम कहना ही ठीक होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमारे हमारे दुनिया में करीब करीब 8,000 प्रजाति के पक्षी है, हमारे भारत में ही करीब करीब 1,300 प्रजाति के पक्षी हैं। उसमें से कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पार करके, जैसे हंस होते हैं बार रेड, तो मंगोलिया से हमारे हिंदुस्तान में आते हैं जब यहाँ पे हमारे यहाँ ठंड होती है। ये जो दृश्य वो देखते होंगे नीचे इस हिमालय की ऊंचाई, और फिर आते होंगे और हमारे यहाँ पे जो जलस्त्रोत है, तालाब है, बड़े बड़े झीले हैं, वहाँ पे आते हैं, तो उनका हमारी तरफ देखने का दृष्टिकोण वो हमारी तरफ एक प्राणी बोल के ही देखते होंगे कि इस पृथ्वी के हम भी रहवासी है, यानी कि इंसान, ये देखते होंगे। और बाकी सब दुनिया देखते होंगे कि कितनी सुंदर दुनिया थी। तो ये बहुत ही, जो आप सोचने के लिए बोल रहे हो बहुत ही अद्भुत है। डॉक्टर राजू, ये जो थोड़ा सा मन में फिर से जगा दिया, क्योंकि पंछी हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ पंछियों को। तो ये प्रजातियों के बारे में, पंछियों की प्रजातियों के बारे में कोई इसकी गणना है? जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये भारतीय पक्षी हैं, ये यहाँ पर हैं, यहाँ के जंगलों में हैं। कई बार प्रवासी पक्षी भी आ जाते हैं विदेशों से, आपने साइबेरिया से बताया, तो हमने प्रयागराज जिसे कहते हैं इलाहाबाद में, सर्दियों के मौसम में ऐसे पक्षी आते हैं जो यमुना और गंगा के पानी में तैरते रहते हैं, उन्हें पहले अन्य मौसम में नहीं देखा जाता है। बहुत से झीलों के पास ऐसे पक्षी आते हैं जो अन्य मौसम में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, कुछ सारा का सारा तो वर्णन संभव नहीं है, जो भी संभव हो थोड़ी एक संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में दे, पक्षियों की प्रजातियां कौन है, यहाँ की कौन से पक्षी हैं, बाहर से प्रवासी पक्षी कौन से आते हैं। देखिए, हमारे देश में तो ऐसा है कि हम हिमालय से लेके, यानी कि जहाँ बर्फ होती है 12 महीनों तक, वहां से लेके राजस्थान का मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, वहां तक सारे सारे अलग अलग तरह के हमारे यहाँ आदिवास है। तो इस आदिवास के हिसाब से हमारे यहाँ पक्षियों की प्रजातियां भी बहुत ज्यादा है, कि हमारा जो देश है उसमें 1300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां है। और उसमें देखिए तो कौवा है और गोरैया से लेके तो शिकारी पक्षी, यानी कि हम लोग जिसको फाल्कन्स बोलते हैं, बाज बोलते हैं, बाज होते हैं, ईगल्स यानी कि गरुड़ प्रजाति के पक्षी होते हैं, क्रॉन्च यानी कि क्रेन्स होते हैं, ऐसे इतनी इतनी इसमें विविधता है, इतनी हमारे देश में विविधता है कि हमारे एक एक जिंदगी कम पड़ जाए सारे पक्षियों को देखने के लिए। हम तो हमारे देश में तो शायद ऐसे बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने 1300 में से 1,000 पक्षी प्रजाति देखी होंगी। तो मैं तो इतने साल से घूम रहा हूँ, अभी तक सिर्फ 700 प्रजाति देख पाया हूँ। तो ये इतना इतना अपने यहाँ पे विविधता है हमारे देश में। जैसे कि अमेरिका में हमिंग बर्ड है, तो हमारे यहाँ पे भी सिर्फ फूलों से उसका उसका मधुरस यानी कि हनी चूसने वाला हमारे यहाँ पे भी एक बर्ड होता है, सनबर्ड नाम का एक बर्ड, ये स्पेशलिस्ट है, एक स्पेशलिस्ट है कि सिर्फ हनी खाएगा, वहां से लेके तो ईगल तक, जो कि बड़े से बड़े जानवर की शिकार करने की कोशिश करेगा, यानी कि हिरन का बच्चा भी मारने की कोशिश करेगा वो बाज। और ये एक सिर्फ फूल में से एक बूंद अपने मीठे से
नेक्टर की एक बूंद चूसने की कोशिश करेगा और उसका उसका पूरा शरीर, उसकी चोंच, हर चीज उसके लिए बनी हुई है। यहाँ से लेके ये सनबर्ड, यहाँ से लेके तो ये शिकारी पक्षी गरुड़ या बाज तक, ये सब जो है ना, और गिद्ध जो कि मरे हुए प्राणी को खाएंगे, हमारे 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 परिवार को, हमारे हमारे संसार को, हमारे आजू बाजू में जो जो वातावरण होता है उसको साफ सुथरा रखने का काम करने वाला पक्षी वो पक्षी, और बगुला जो गाय भैंस के पीछे हमारे खेतों में या झील में भी, झील के पीछे जहाँ पानी की डेप्थ ज्यादा नहीं होती वहां, तो वहां चलने वाला, और हाथी के पीठ पे भी बैठ के चलता है बगुला, तो हाथी की और बगुले की दोस्ती होती है। वो क्या खाएगा कि उसके शरीर पे जो कीड़े होते हैं जो उसका हाथी का खून चूसते उसको मारेगा, तो हाथी उसको कभी भगाएगा नहीं। ये गेंदा है, गेंदे के पीठ पे बैठेगा, गेंदा बड़ा खुश होता है कि बगुला मेरे पीठ पे बैठा। तो ये देखिए कितना 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 अलग अलग हर चीज का है, ये बगुला कहाँ पे, ये सनबर्ड कहाँ पे, और ये बाज और गरुड़ कहाँ पे, और फिर हमारी गौरैया, हम सोचते हैं कि वो दाना खाती है, दाना चुगती है, लेकिन क्या वो सिर्फ दाना चुगती है? जब हम उसकी तरफ देखते हैं या वो कोई भी साइंटिस्ट पक्षी विज्ञ उसका अभ्यास या संशोधन करते हैं तो पता चलता है कि जो गौरैया होती है वो जब उसके अंडे होते हैं और बच्चे होते, चूजे होते हैं घोंसले में या घरौंदे में, तो बहुत सारे कीटक खाते हैं, और ये कीटक खाके वो हमारे पर्यावरण का संतुलन रखते हैं। इतना सा पक्षी गौरैया, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ दाना खाती है, लेकिन उसका कितना कितना हमारे इधर हमारे सृष्टि में कितनी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। बत्तख है, कितने प्रकार के बत्तख है, क्रॉन्च पक्षी है, कितने दूर से साइबेरिया से करीब करीब 6,000 किलोमीटर उड़ के हर साल आते हैं। अच्छा, वही गांव में, साइबेरिया में जो कोई गांव होगा, जो झील होगी, जो पेड़ होगा, वहां वही पेड़ पे वो घोंसला करता है हर साल वही तारीख को, जैसे कि कैलेंडर में आपने अपॉइंटमेंट लेके रखा है उसी तारीख को, उसी झील पर, हिंदुस्तान में 6,000 किलोमीटर दूर, 7,000 किलोमीटर दूर, उसी झील पे उसी तारीख को बराबर पहुंच जाता है। ये इसका कैलेंडर कहाँ से आया? इतना सा छोटा सा पक्षी होता है, इतने सारे पक्षी है, जिसे वार्बलर्स बोलते हैं, उसको उनकी चहचहाट करते हैं पेड़ में, इसलिए वार्बलर्स बोलते हैं, वार्बलिंग। ये इतना सा पक्षी होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर का, कुछ तो 8 सेंटीमीटर की होती है। ये भी साइबेरिया जैसे इतने दूर दूर से देश से हमारे यहाँ आते हैं, 6,000 7,000 किलोमीटर का उड़ते हुए प्रवास करके आकाश मार्ग से, बिना कोई वीजा से, पासपोर्ट से हमारे देश में आते हैं, वही दिनांक, वही तारीख, वही पेड़ पे आते हैं, और वही घर के आजू बाजू में 4-5 महीना रहेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, और फिर वही देश, वही वही गांव में जाके वही पेड़ पे फिर से घोंसला बनाएंगे। ये सर्दियों से बचने के लिए आते होंगे, और इनका जो टाइम साइकिल है, ये समय की गणना कैसे करते होंगे, क्या विज्ञान है इनके पीछे, ऐसा भी कुछ अध्ययन है क्या? ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके पास टाइम क्लॉक है और वो बहुत ही परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो कैसे दिशा तय करते हैं कि कौन सी दिशा में उनको जाना है उसके बारे में अभी पता चला है। जैसे कि हमारे पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उससे उनको पता चलता है कि कौन सी दिशा में जाना है, तो वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो कैलेंडर कैसा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो सामाजिक जीवन में है, जैसे ये गौरैया, तोता, मैना, कोयल भी आसपास, कबूतर, ये सब आसपास होते हैं, और कुछ जी वन्य पक्षी है जो हमारे घरों के आसपास नहीं आते, वो वन में ही रहते हैं, तो ऐसा क्या विभाजन है उनके जीवन में, ऐसा कुछ अध्ययन है क्या? बहुत सारे पक्षी सामाजिक होते हैं, जैसे कौवा हो गया, गौरैया हो गई, ये पक्षी जो है, और जो मैना है, ये या बगुले हैं, ये सामाजिक होते हैं, क्योंकि इनको इनको अपने जान का खतरा होता है, उनकी जान को खतरा होता है, शिकारी पक्षियों से हुआ या कोई भी चीज से उनको अपनी जान को खतरा लगता है, तो जब वो साथ में रहते हैं तो वो खतरे का एक दूसरे को इशारा देने के लिए, इन्फॉर्मेशन या अलार्म देने के लिए उन्हें बहुत मदद होती है, और एक दूसरे की जान बचती है।
इतना ही नहीं, जैसे कौवे हो गए या गौरैया हो गए, उनको अगर पता चले कि कोई खाद्य का स्रोत है, आजू बाजू में कोई खाना उपलब्ध है, एक पक्षी को पता चलता है तो अकेला जाके खाएगा नहीं, वो तो सारे भाई बहनों को खाएगा कि आइए यहाँ पे खाना मैंने ढूंढ लिया है, सब लोग यहाँ चलते हैं और सब लोग साथ में जाएंगे। और जब कुछ खाना खा रहे तो दो चार पक्षी जो होते हैं वो आजू बाजू में नजर रखते हैं, कोई शिकारी तो नहीं है ये झड़प के हमारे हमारे भाई बहनों को मार दे, तो वो ख्याल रखते हैं, अलर्ट रहते हैं, जैसे कि हम लोग गार्ड को अपॉइंट करते हैं, वैसे दो दो चार पक्षी इधर उधर देखते रहेंगे हमेशा, ये बड़ा अच्छा होता है। और वो इशारा देते हैं, उसे हम अलार्म कॉल बोलते हैं, पक्षियों की जो भाषा होती है, तो अलार्म कॉल वो जोर से निकालेंगे, बाकी सारे पक्षी सावधान हो जाएंगे, एकदम कांटीला कोई जो कांटे वाला पेड़ है उसमें सारे के सारे घुस जाएंगे या एकदम दबोच जाएंगे। इस तरह से वो एक दूसरे का रक्षण करने के लिए भी उन्हें मदद होती है, खाना ढूंढने में भी मदद होती है, और बहुत तो घोंसले भी साथ में बनाते हैं, सारे घोरंदे एक पेड़ में होते हैं, जैसे बगुले जैसे आपने देखे होंगे, तो वहां पे उनको भी सुरक्षा, उनको ही नहीं उनके चूजों को यानी कि बच्चों को, उनको भी सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए उनके लिए सामाजिक जीवन जीना एक बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इनको बहुत डर है। उल्टा दूसरे जो पक्षी जैसे शिकारी पक्षी है, वो नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे साथ में रहें, क्योंकि शिकार करना है बड़ी मेहनत से एक शिकार करनी पड़ती है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई उसको शेयर कर ले, तो वो चाहेगा कि मैंने शिकार किया तो मैं खाऊंगा। ये हो सकता है कि अगर उस नर मादा है तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ उसको मिल बांट के खा सकते हैं, लेकिन सारे पूरे समाज के साथ तो नहीं करेंगे शेयर, तो ये होते हैं इसमें। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी इसमें तो बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जंगलों में भी जो छोटे पक्षी होते हैं जिनको शिकारी पक्षियों का डर है, उसमें तो और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी अलग अलग प्रजाति के मिल के साथ में जंगल में चलते हैं, अलग अलग प्रजाति के, एक प्रजाति के नहीं, जैसे कि आपको गांव में गौ साथ, ये हाँ ये नई चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसका भी अभी काफी अध्ययन हो रहा है। इसको हंटिंग पार्टी बोलते हैं, हंटिंग पार्टी यानी कि समझो कीटक कीड़े खा छोटे कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी है, तो वो अलग अलग प्रजाति के 10-15 प्रजाति के पक्षी पूरा का पूरा झुंड जंगल में साथ में चलेगा, सबको सबको कीड़े ही खाना है, लेकिन वो साथ में चलते हैं, तो उसमें भी उनका फायदा होता है। इस तरह से एक दूसरे का सहकार्य, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव वर्क या कोऑपरेटिव हंटिंग, इसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि खुद की जान बचाना, खाना ढूंढने में मदद करना, ये सब फायदे उनको होते हैं और ये जरूर वो समझते हैं। उनकी भाषा न जाने कैसी होती होगी, लेकिन संवाद बहुत तगड़ा है और सोच और समझ काबिले तारीफ है, क्योंकि एक साथ मिलकर अपने जीवन को सुरक्षित रखना और अपने प्रजातियों का विकास, इस पर पूरा ध्यान दे पाते हैं, ये तो हमें अनुकरण करने का विषय है। लेकिन इन पर अध्ययन कैसे किया जाए, इनकी जानकारी कैसे हासिल की जाए, ये लंबे समय से इस पर शोध हो रहे हैं। आपकी जो संस्था है मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इस पर कैसे काम करती है, किस तरह का इसका स्वरूप है, आप इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी बताएं। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये तो बहुत पुरानी संस्था है, मतलब अभी तो उसको 1883 में उसको कुछ अंग्रेज और दो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स उन्होंने मिला के बनाया था, तब तो वो एक क्लब था, फिर बाद में उसको अच्छी संस्था बन गई और बहुत कुछ बहुत निसर्ग के बारे में, पक्षियों के बारे में ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान में जो भी वन्य प्राणी है, शेर से लेके कीड़े मकोड़ों तक और वनस्पतियों पर, ये इन लोगों ने काफी संशोधन किया। शुरू में अंग्रेज थे तो वो लोग तो जो उस जमाने में, तो जब तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था हिंदुस्तान में, तब तक तो इस तरह से जो संशोधन चलता था उसमें तो ज्यादातर ये था कि कोई भी पक्षी को मार के उसको लाके उसका जो स्पेसिमेन है उसको बराबर अच्छे तरीके से रखा जाए और उसका अध्ययन किया जाए, ये उस टाइम का था। अभी तो कैमरे है और कैमरे से जाके हम कोई भी चिड़िया की फोटो खींच के या तितली की फोटो खींच के लेके आते हैं और फिर वे हम कंप्यूटर में या किताब में ढूंढ के उसको हम पहचान करा सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति की। पुराने जमाने में तो ये पता नहीं था, तो ये मार के लेके आते थे, ये सारा जो है एक जगह पे वो संचयन करते थे या कलेक्शन करते थे, वो सारा संचय जो है हमारे यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो ऑफिस है कुलाबा में, वहां पे रखा है, करीब करीब 1 लाख प्राणियों के स्पेसिमेन रखे हैं वहां पे, तितलियों से लेके कीड़े मकोड़ों से लेके तो बड़े 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 जानवरों के खालों तक के, ये सब रखा है। और फिर ये जो संशोधन करने की जो
पद्धति है या मेथड है, ये इसमें एक बात बदलाव आ और बता एक बात और बता दें, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाना चाहें कोलाबा में देखने के लिए, उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसी व्यवस्था है, कैसे जाएंगे? तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चर्च गेट से वहां से बस में बैठ के जा सकते हैं। बहुत सारी बसेस हैं, बाजू में ही छत्रपति जी म्यूजियम है, गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाली कोई भी बस पकड़ के म्यूजियम की वहां उतर जाइए। म्यूजियम की पिछले पिछले बाजू में बैक म्यूजियम इज हमारा इज आवर ऑफिस, यानी कि पिछले साइड में हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का ऑफिस है। और बाजू में ही जहांगीर आर्ट गैलरी है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तीनों एक सबके लिए दूसरे निःशुल्क सट के। व्यवस्था है या उसकी कोई फीस है देखने के लिए? हाँ, मैं वो कलेक्शन देखने के लिए फीस है, लेकिन लाइब्रेरी में जा सकते हैं और ऑफिस में जा सकते हैं, कोई और शास्त्रज्ञ को मिल सकते हैं, जैसे जो साइंटिस्ट है वहां पे उनको मिल सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके अगर कोई आया है तो उनको कलेक्शन देख सकते हैं। और जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो परमिशन लेके जा सकते हैं, और हमारे वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट है उनको प्रॉपरली कोई चीज़ देखना है, या जैसे मेंढक देखना है, बहुत सारे हिंदुस्तान के कितने टाइप के मेंढक है, वो मेंढक देखना है, या सिर्फ सांप देखना है, या सिर्फ पक्षियों के स्पेसिमेन देखना है, या सिर्फ बटरफ्लाइज देखना है, तो कितने आपको कितने देखना है, तो आपका वो समय और उस पे समय तय कर सकते हैं, और उस तरह से विजिट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, खजाना है अभी उसको, भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय खजाना इन्वेंटरी, नेशनल इन्वेंटरी ऑन बायोडायवर्सिटी घोषित किया है अभी अभी, तो ये तो हमारे देश की देश का वन्य जीवों के बारे में बहुत बड़ा खजाना है, हमारे ऑफिस में रखा हुआ है। अब सबका देखिए, आपने स्वागत। लोगों ने अपने दर्शकों को उत्साहित कर दिया, बहुत सारे लोग अब पहुंचेंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद। इस समय जो आप पक्षी सप्ताह मना रहे हैं, जी 5 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में, इसका औचित्य क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे इस आयोजन को आपने रूप दिया है, कैसे डिजाइन किया है, और इस किस आधार पर क्यों मना रहे हैं, इस नवंबर में इस तिथि को क्यों चुना है आपने, इस सप्ताह को? जी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जो पक्षी मित्र है, बर्ड वॉचर्स और या फ्रेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है, ये बड़े संगठित है, और पिछले पिछले 3 दशकों से आपस में मिलते हैं, एक सम्मेलन होता है, पक्षी मित्र सम्मेलन होता है, और महाराष्ट्र में पक्षी मित्र संगठना भी है। तो इस पक्षी मित्र संगठना में नई नई चीजें आती है पक्षियों को बचाने के लिए, या उनके बारे में जागरूक कराने के लिए, सामान्य नागरिक को जागरूक कराने के लिए क्या किया जाए, ये हमेशा सोचा जाता है। उसमें एक जो कल्पना आई थी पिछले साल की, ऐसा कुछ हो जाए जैसे वाइल्ड लाइफ वीक होता है वन्य जीवों के लिए एक सप्ताह होता है, वैसे पक्षियों के लिए भी होना चाहिए, तो वो कब होना चाहिए? तो जब देखा कि मारुति चितमपल्ली साहब का जो जन्मदिन है वो आज है, तो आज मैं चाहता हूँ कि आज उनको बड़ी लंबी उम्र मिले। तो अभी तो सोलापुर शिफ्ट हो गए हैं, पहले नागपुर में रहते थे, और उनको लंबी उम्र मिले वो मैं कामना करता हूँ। और चिदंबल इस मंच से हम उन्हें बधाई देते हैं, उनके योगदान को के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं, और उनके शतायु होने की कामना करते हैं कि उनके नाम पर पक्षी सप्ताह मनाया जा रहा है, और हमारे दर्शकों की ओर से भी हम उन्हें साधुवाद देते हैं। जी, डॉक्टर सालिम अलीम के बारे में भी बताया। तो मारुति चितमपल्ली, पहले इनके बारे में बताता हूँ एक थोड़ा। इन्होंने करीब करीब 25 किताबें लिखी है मराठी में, और उसमें एक सबसे अच्छी बुक है जो पक्षी कोश, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्ड्स इन मराठी। तो महाराष्ट्र में पाए जाने वाले सारे पक्षियों के बारे में मराठी में, और महाराष्ट्र में जो भी डायलेक्ट्स यानी कि बोली भाषा होती है ना, जो कोंकण में अलग बोलते हैं, विदर्भ में अलग बोलते हैं, मराठवाड़ा में, खानदेश में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, जैसे हिंदी में भी होता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वैसा। तो वो बोली भाषा में करीब करीब 18 बोलियों में जो पक्षियों के अलग अलग नाम है वो सारे उन्होंने संकलित करके एक बड़ा सा पक्षी कोश बनाया, और बहुत ही सुंदर किताब है उसकी, तो 2 एडिशंस आई है, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स बाकी भी लिखे। ये बुक्स पढ़ पढ़ के हम पक्षी मित्र बने, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। और मेरे जैसे मैं अकेला नहीं, महाराष्ट्र में कम हजारों लोग होंगे जो उनके बुक्स पढ़ पढ़ के पक्षियों में उन्होंने रुचि लेना चालू किया, और जिज्ञासा जागृत हो गई, और वो पक्षियों के बारे में, या दूरबीन खरीद के जंगल में निकल पड़े। अभी महाराष्ट्र में हजारों पक्षी मित्र है, बर्ड वॉचर्स है, इनकी इनकी बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा जो है चिदंबल्ली सर से ली है। और दूसरा जो है वो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया,
डॉक्टर सलीम अली साहब, उनका जन्मदिन 12 तारीख को है। तो 5 तारीख से 12 तारीख ये जो 8 दिन है इसके बीच पक्षी सप्ताह मनाया जाए, ये संकल्पना पिछले साल आगे आई और इसको पक्षी मित्रों ने महाराष्ट्र शासन को भेजा और महाराष्ट्र शासन अभी तो बहुत काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो उन्होंने ये तुरंत ले लिया निर्णय कि ये पक्षी सप्ताह शासन स्तर पे महाराष्ट्र में मनाया जाए, तो इसलिए अब ये चालू हो चुका है। और सलीम अली साहब का तो काम जो है उसका तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने इतना इतनी सारी बुक्स लिखी है, उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि उनसे ज्यादा सही में बर्ड्स के बारे में लिखा या संशोधन किसी ने नहीं किया होगा। मतलब उस जमाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान ये तो बांग्लादेश एक थे, तो ये तीनों देश, उसके बाद अफगानिस्तान म्यांमार भूटान नेपाल ये सब देश और हिमालय में कहाँ कहाँ नहीं गए, इतना सारा प्रदेश खुद घूम के, जबकि ये इतना अच्छा ट्रेवलिंग का अरेंजमेंट नहीं था आज जो है हमारे पास, वहां जाके पक्षियों के स्पेसिमेन मार मार के लेके आए और वो BNHS के कलेक्शन में उन्होंने इकट्ठे किए। जब जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज इसमें से हजारों स्पेसिमेन लेके गए जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अलग पूरे देश पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 1 लाख बचे हुए हैं, तो इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेसिमेन जो है वो दूसरे देश में लेके गए। ये सलीम अली साहब का जो कर्तृत्व है, जो उनका काम है इतना बड़ा है, और उन्होंने एक एक बड़ी सी बुक लिखी है बुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके 10 खंड है यानी 10 वॉल्यूम्स सारे मिला के उसके कितना हजार पेजेस है, हर चिड़िया के बारे में और उनकी प्रजाति ही नहीं उनकी उप प्रजातियों के बारे में भी उन्होंने इतना विस्तार से लिखा है कि वो आज भी वो मुझे कोई पक्षियों के बारे में हिंदुस्तान की कोई चिड़िया के बारे में रिसर्च पेपर लिखना है तो मुझे वो किताब को रेफर करना पड़ेगा, उसको ढूंढ के कि सलीम अली साहब ने क्या लिखा था, क्या इससे कोई नई चीज मैंने ढूंढी है तो उसको इम्पोर्टेंस है, नहीं तो मैं लिखूंगा कि सलीम अली साहब ने ये पहले ही ढूंढा हुआ था लिखा हुआ है, इस तरह से जैसे बाइबल को रेफर करते हैं तब उस तरह से उसका महत्व है। ये दो महान पक्षी विज्ञानी बोलेंगे जिनका बहुत बड़ा कर्तृत्व रहा, इनका सम्मान करने के लिए ये पक्षी सप्ताह है। जी जी मैं थोड़ा सा उनके बारे में कहना चाहूंगा, लेकिन पहले कुछ सवाल। बार बार रंजन देवनाथ रंज मशहूर गजल गायक हैं, ये जी अपनी गजलें लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद गाते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे फनकार बहुत कम हैं इस देश में, लेकिन ये अनोखे कलाकार हैं। इनका प्रश्न है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अगर देखना चाहें तो उसके लिए क्या फीस है, और भी एक दर्शक का प्रश्न था, फिर से एक बार बता दें फीस के संबंध में, कोई शुल्क है क्या देखने के लिए? कलेक्शन कलेक्शन जो है, जो मैंने कहा कि जो प्राणी रखे हुए हैं अलग अलग प्रजाति के, उसको देखना है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से देखना है, तो उसको एक कुछ फीस है 50-100 रुपये वो देना होगा, वो उधर आके दे सकते हैं। अगर ग्रुप लेके आना है तो सबसे अच्छा है कि एक अपॉइंटमेंट ले ताकि वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट आपको वहां पे उपलब्ध रहे और वो अच्छे तरीके से मार्ग, और फीस ज्यादा नहीं है सब, मेरे ख्याल से 100 रुपया वगैरह कुछ हुआ। हमारे दर्शक रुचि लेंगे, और 100 रुपया या 50 रुपया कोई अधिक राशि नहीं है, वो जरूर देखेंगे। डॉक्टर सलीम अली के बारे में कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। पिछले वर्ष मैंने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी रेडियो के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया मैंने दिल्ली से नेशनल हुक अप पर जिसका ब्रॉडकास्ट किया गया था। उस समय काफी पढ़ा मैंने, उनके लिए स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी थी, तो उनके जीवन के बारे में जानकारी अर्जित करते हुए बड़ा अद्भुत आश्चर्य हो रहा था कि एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन कैसे पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया, और ये जानकर के और आश्चर्य होता है कि देश ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, 91 वर्ष की उम्र में नहीं रहे जब वो। तो उसके बाद मैं कुछ लोगों के बाइट्स ले सॉरी तो हमारे एक मित्र मेरे पास रहते हैं, तो उन्होंने बताया संजय गांधी फॉरेस्ट में वो उनके साथ जाया करते थे, तो पक्षियों की आवाज से पक्षियों का आकार, पक्षियों का जी रंग, उसकी पूरी जीवन के बारे में व्याख्या बस आवाज भर सुन ली तो बता दिया करते थे, इतना जी अद्भुत ज्ञान उनके पास था। तो जी ऐसे व्यक्ति ने जो किताबें लिखी है, तो मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए
एक बहुत बड़ी धरोहर छोड़कर गए हैं डॉक्टर सालिम अली, और पूरा विश्व, भारत तो ही नहीं, पूरा विश्व उनके प्रति ऋणी रहेगा। डॉक्टर राजू, एक बात मेरे मन में और आ रही है, मनुष्य या प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है, जो जमीन पर चलते हैं या हवा में विचरण करते हैं, उनके लिए भोजन और जल, पानी, दो आवश्यकता होती है। लेकिन हर प्राणी कुछ ग्रहण करता है तो कुछ देता है। ये पक्षी भी भोजन करते हैं, आपने आरंभ में बात कही कि हमारे अनाज के दाने ग्रहण करते हैं, जो सामाजिक पक्षी हैं जो जंगलों में नहीं रहते हैं वो हमारे आसपास गांव में, खेतों के आसपास, बाहों में रहते हैं, या छोटे मोटे जो जंगल वहां भी विचरण करते होंगे, शहरों में भी हैं। तो ऐसे सारे पक्षी जो भोजन ग्रहण करते हैं, आपने किसानों की बात कही, तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं जो हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, मुझे लगता है उन कीट पतंगों की सफाई करके ये पक्षी पर्यावरण को संतुलित करने का, बैलेंस करने का काम करते हैं, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। लेकिन पक्षियों की हत्या करके, पक्षियों को नष्ट करके एक जघन्य अपराध किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है। वो पाप इस तरह से कि एक पक्षी नहीं मरता है, एक पक्षी को मारने पर सिर्फ एक पक्षी नहीं मरता है, हजारों क्विंटल अनाज हमारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो पक्षी जो संतुलन बनाते नहीं होता है। तो इस दिशा में कोई, जैसे हमने शुरू में ही आपसे कहा कि पक्षियों की संख्या कम हो रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ते पक्षी, गौरैया कम दिखती है, बीच में तो डिसअपीयर हो गई थी, कौवे बहुत कम दिखते हैं, तो इसके पीछे कुछ अध्ययन, कुछ कारण क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ मारना ही एक कारण है, या पोल्यूशन कारण है, या और क्या कारण है जो पक्षियों की संख्या, सामाजिक पक्षियों की संख्या कम हो रही है? या पक्षियों, अलग अलग प्रजातियां हैं तो उसके कारण भी अलग अलग है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वो एक ही जगह पे मिलते हैं, यानी कि जैसा हम सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स की बात करें, जो ये प्रदेश निष्ठ कहलाते हैं, यानी कि एंडेमिक, तो ये एंडेमिक बर्ड है। अगर कोई बर्ड है कि सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है और हम वेस्टर्न घाट्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसी उसका जो अधिवास है उसको ही हम नष्ट कर देते हैं, तो वो पक्षियों की प्रजाति बहुत ही गहरे संकट में गिर जाती है। जैसे कि हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको मारडोक कहते हैं, ये एक प्रजाति है जो कि घास वाले इलाके में पाई जाती है, यानी कि ग्रासलैंड्स में। अगर ग्रासलैंड्स को सारे के सारे, हम उसको चावल की खेती या गन्ने की खेती में कन्वर्ट कर देंगे या सोयाबीन लगा देंगे, पूरे ग्रासलैंड्स को हम वेस्टलैंड बोलेंगे, उसको इंक्रोचमेंट करके एग्रीकल्चर के लिए कब्जे में ले लेंगे, तो ग्रासलैंड बचेगी नहीं। ग्रासलैंड नहीं बचेंगे तो ये जो बर्ड होती है कि जो उनका हैबिटेट सिर्फ ग्रासलैंड है, वो दूसरी जगह रह ही नहीं सकता। जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की जो ग्रासलैंड्स है, ये ग्रासलैंड में ये मारडोक जैसी बर्ड होती है, और लेसर फ्लोरिकन यानी कि तनमोर, इसको इधर तनमोर बोलते हैं, उधर मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में ये पक्षी बड़े संकट में है, क्योंकि उनका अधिवास हम लोग इंसानों ने नष्ट किया है और नष्ट करते जा रहे हैं। दूसरे भी कुछ संकट है, जैसे मारडोक के लिए, जैसे कि पावर लाइन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बड़ी बड़ी केबल जा रही है, ये इतना बड़ा पक्षी है कि इसको तुरंत अपनी खुद की दिशा बदलना नहीं संभव होता, और उसने जब उसका उत्क्रांति हुआ तो सोचा कि आसमान में कुछ ऐसा बीच में लटका रहेगा कि तार, इलेक्ट्रिसिटी की वायर लटकी रहेगी, या अचानक बीच में वायर आ गई, उसको पता नहीं था। तो उसको मालूम है सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं और नीचे जमीन होती है, ये आसमान में बीच में से तार आएगी और उसकी जान ले लेगी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये उसने कभी सोचा ही नहीं और वो कभी समझेगा ही नहीं, क्योंकि जिसको जिसका उसको स्पर्श हो गया वो तो मर गया, उसको सीखने के लिए कोई मौका ही नहीं है। तो इस तरह से है। और दूसरा, अर्बनाइजेशन यानी कि नागरीकरण या शहरीकरण हो रहा है, अब जो हमारी तादाद, इंसानों की तादाद या पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इसलिए हमारे शहरों की शहर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें क्राउडिंग हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एक जगह हम ठूस रहे हैं लोगों को, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगे चाहिए, घर चाहिए, तो ये करने के लिए हम जंगल को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते, ये उनका आदिवास है, ये पेड़, ये जंगल छोटे छोटा, जैसे एक समझिए एक हमारी कॉलोनी है, ये कॉलोनी में एक छोटा सा अगर हमने आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर का भी एक जंगल अगर छोड़ दिया, पुराने जमाने में जिसको देवराई कहते थे,
महाराष्ट्र में या कर्नाटक, इधर देख देवराई का एक कंसेप्ट था, वैसा अगर छोड़ देते तो सारे पक्षी वहां पे एक जगह पे अपनी जान बचा के वहां पे उनका बसेरा करते थे। अभी हो रहा है कि अभी हम जगह छोड़ते नहीं, गार्डन छोड़ते तो वहां पे क्या पाम या नारियल के पेड़ लगा देते हैं और सारे नीचे जमीन पे लॉन लगवा लेते हैं, तो पक्षी पक्षियों को घरौंदा करने के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए जो है पक्षी जो है, जैसे गोरैया, गोरैया तो क्या है, हमारे घर में उसका नाम ही है, उस पर उसको तो हाउस चाहिए, उसको कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं चाहिए। कंक्रीट की बिल्डिंग में क्योंकि वहां पे कोई होल नहीं है उसको घोंसला बनाने के लिए, अपना घरौंदा बनाने के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। तुमने कुछ उस कंक्रीट वॉल में कोई होल ही नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी, और जिधर उधर ग्लास लगा दिए, कांच लगा दिए। अभी ग्लास फसड़ वाली बिल्डिंग आ रही है, दूर से ऐसा लगता है कि आसमान है, चमकती है, पक्षियों को लगता है कि आसमान है, खुला आसमान है, सीधा जाके उसको टकरा जाते हैं और मर जाते। अबे हिंदुस्तान मुंबई में अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है कि जिसमें सारा के सारा कांच लगा हुआ है, दूर से बड़ी अच्छी लगती है लेकिन वो ऐसा लगता है कि स्काई है, और बहुत सारे बर्ड्स नीचे गिर के मर जाते हैं क्योंकि वो टकरा जाते हैं, और रात में उल्लू बहुत सारे टकरा जाते हैं, मर जाते हैं। मैंने खुद देखा है अमेरिका में, तो ऐसा कहते हैं कि करीब करीब 10 लाख बर्ड्स, चिड़िया सिर्फ बिल्डिंगों को टकराने से मरती है क्योंकि वो बिल्डिंग उनको कांच लगी हुई। ये हमारे यहाँ पे भी बढ़ते हैं इस तरह से। हमारा जो जो हम लोग इसको विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ये जो है ये पक्षियों के लिए विनाशकारी बनता जा रहा है। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा विकास उनका विनाश ना हो। इसके लिए ये जरूरी है, जागरूकता होना जरूरी है। आर्किटेक्ट्स को ये चीज पता होना चाहिए कि ग्लास फसाड लगाने से बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिखती है लेकिन उस कितनी जाने ले चुकी है, वो सब चीजों के बारे में जागरूकता होना जरूरी है। इसीलिए सब पक्षी मित्रों ने इसके बारे में बोलना चाहिए। जी, इतनी सारी बातें मैंने, कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है, मनुष्य की लापरवाही से पक्षी नष्ट हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है, और कहीं जानबूझकर भी उनकी हत्याएं होती हैं अपने भोजन के लिए। वो बेचारे अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं और मनुष्य अपने भोजन के लिए उनका शिकार कर रहा है। एक फिल्म आई थी यहाँ मुंबई फेस्टिवल में, दिखाई गई थी, बांग्ला में थी फिल्म, उसका नाम था पाखी। पाखी मतलब पंछी, तो पक्षी। तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत प्रभावित की, बांग्ला बैकग्राउंड की कहानी थी कि उसमें अभिनय किया था रजित कपूर ने, यहाँ पर जो हिंदी भाषी अभिनेता हैं, उसमें वो गांवों से जंगलों से पक्षियों का शिकार करते हैं और कंधे पर लाद कर दोनों तरफ लटका हुआ, जैसे श्रवण कुमार माता पिता को ले गए तो उस तरह दोनों तरफ पक्षियों को लटका कर ले जाते हैं और शहर में बेचते हैं, और जो व्यापारी है पक्षियों को लेता है, कुछ लोग पालने के अनुसार उसे खरीदते हैं और कुछ लोग खाने के लिए खरीदते हैं। लेकिन वो भोला भाला ग्रामीण जो जंगलों के पास रहता है, पंछी हर दिन लाकर बेचा करता है और पकड़ा करता है। एक दिन वो सेठ कहते हैं कि कल मेरे यहाँ भोज है, कल तुम यहाँ दोपहर को भोजन मेरे यहाँ करना। वो बड़ा उत्साहित होता है कि नगर में रहने वाले लोगों का भोजन कैसा होगा, ये जलसा कैसा होगा। आकर पंछी देता है और फिर भोजन करने बैठता है और बड़े चाव से भोजन कर रहा। तो बांग्ला में कहा है, कह रहे वो, खूब खाओ, खूब भालो मांगशो, एटा खूब भालो मांगशो, खूब खाओ, यही पाखीटा जे काल के तुम्हें दिए आशो सही पाखिर मांसो, यानी कि कल जो तुमने पक्षी यहाँ चिड़िया तुम लाए थे उसी का गोश्त बना हुआ है, खूब चाव से खाओ। लेकिन वो चाव से खाता हुआ गांव का आदमी, अचानक जब उसे ये लगता है कि जो पक्षी मैं लेकर आया था उसी का गोश्त मैं खा रहा हूं, वो विचलित होने लगता है। उसके अंदर से वो ममता, वो स्नेह, वो प्रेम जागृत होता है और उसे वोमिट हो जाता है, फिर वो उठकर चला जाता है। तो ये दृश्य बड़ा पक्षी पर ही है कि उसकी हम रक्षा के लिए करें। तो हमारे फिल्मों में एक तरह का साहित्य है जो उंगली उठाकर कह रहा है पक्षियों की रक्षा हमें कैसे करनी है। दूसरी बात हमें आपसे एक और कहनी है कि आपने आरंभ में क्रौंच पक्षी के शिकार के बारे में कहा, जब पहली बार शिकार हुआ था क्रौंच पक्षी का, उस पर पहली कविता लिखी गई थी और उसकी भर्सना हुई थी शिकार को लेकर, पक्षी के शिकार को लेकर अच्छा नहीं माना गया था। अब अपने यहाँ के साहित्य में देखिए पक्षियों को कैसे सम्मानित किया जाए, पक्षियों को अपने जीवन से कैसे जोड़ा जाए ताकि उनकी रक्षा हो सके, हर ढंग से उनके प्रति आदर भाव,
स्नेह भाव और प्रेम भाव दर्शाया गया, बल्कि उनको पवित्र और डिवाइन बना दिया गया, अपनी देवी देवताओं के साथ जोड़ दिया गया। सरस्वती का वाहन हंस है, कार्तिकेय का मयूर है, भगवान विष्णु का गरुड़ है, लक्ष्मी जी का उल्लू है। आप इन पक्षियों को जब भी देखेंगे तो आप अपने देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, इनके प्रति हिंसा का भाव मन में नहीं जागेगा। शायद इसके पीछे जो धार्मिक भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति इन्हें ना मारे, इनके प्रति हिंसा का भाव मन में ना रखे। अब देखिए, भगवान राम कौवे को रोटी खिला रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं काग भुसुंडी को, तो कौवा भी पवित्र हो गया। आज भी हम कहते हैं मुडेर पर कागा बोले, आज हमारे साहित्य में कौवे की बात कही गई है। मजेदार बात देखिए, सीता का अपहरण हो रहा है और रक्षा के लिए जटायु आता है, एक पक्षी ही हमारी रक्षा करता है। सत्य है ये कथा या हमारे साहित्य की कथा है, जैसे भी हम स्वीकार करें, दोनों स्थिति में हमें ये बताता है कि पक्षी हमारे रक्षक हैं। सीता जैसी शक्ति की रक्षा जटायु ने करने का प्रयास किया, देखिए कितनी बड़ी बात है। कृष्ण के समय देखिए रासलीला होती है तो पशु पक्षी एकत्रित होकर रासलीला का आनंद उठाते हैं, पक्षी भी हमारे संगीत से नृत्य से जुड़ते हैं, हमारे साथ कितने भावुक होते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री भी एक संदेश दे रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में मोर को दाना चुगा रहे हैं, यानी पक्षियों से हमारा जुड़ाव कितना है। लेकिन बीच का एक पीरियड था मुगल काल में, उस समय के जो उर्दू अदब में, उर्दू साहित्य में, बल्कि एक समय देखिए आप बहुत पहले के जमाने में युद्ध के समय कबूतर हमारे डाकिया हुआ करते थे, पोस्टमैन हुआ करते थे, कबूतर के माध्यम से चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी, बल्कि गुप्तचर का काम करते थे, यहां से वहां संदेश पहुंचाने का काम करते थे। तो मुगल पीरियड में जो थोड़ा फर्क आया या वहां से जो एक हमारे साहित्य में बदलाव आया, खत कबूतर ले जाए कैसे बामे यार पर, खत कबूतर ले जाए कैसे बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचिया दीवार पर। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पत्र लिखना चाहता है और पत्रवाहक कबूतर है, तो कबूतर अगर प्रेमिका के यहां जाएगा, उसके पिता ने दीवारों पर कैंचियां लगा रखी हैं कि जैसे ही कबूतर ये अपने पत्र लेकर जाएगा तो उसके पर उसके पंखे कैंचियों से कट जाएंगे। तो वो एक प्रेम पत्र पहुंचाने में एक पक्षी की हत्या हो जाएगी, ये उस पीरियड की सोच है। फिर उसका जवाब है पर ही परनामा लिखो, पर कटे दीवार पर, पूरा शेर मुझे याद नहीं है, यानी उसके पंखों पर ही चिट्ठी लिख दो और पर कट जाएगा और वो पर वहां गिर जाएगा, प्रेमिका को मिल जाएगा। तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका तक पत्र पहुंचाने के लिए एक कबूतर की हत्या कर रहा है, ये सोच। और हमारी भारतीय शैली में, भारतीय परंपरा में देवी देवताओं के साथ पक्षियों को जोड़कर उनको पवित्र और डिवाइन बना दिया गया है। तो इस सोच के साथ क्यों नहीं मुंबई हिस्ट्री सोसाइटी उन सब चीजों को, तथ्यों को जोड़कर एक आंदोलन क्यों नहीं चलाती कि जो पक्षी हमसे दूर हो रहे हैं, जो गौरैया बीच में गायब हो गई थी, या अन्य पक्षी जैसे तोता कम दिखते हैं, हम अपनी फसलों की रक्षा के लिए हम तोतों को मारते हैं, पैरट्स को खत्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे इन सब चीजों को, जो हमारा देश इतना इस तरह से सोचने वाला देश है, उस देश में पक्षी कम हो, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो इस तरह से क्यों नहीं सोचते, या आप इस विषय पे क्या अपने विचार रख सकते हैं? जी आपकी आवाज कम आ रही है, आप उसे अनम्यूट कर। म्यूट हो गया था जी। तो पक्षियों की तरफ देखने वाले जो है दो दो साइंटिस्ट होते हैं, एक तो साइंटिस्ट होते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी शास्त्रज्ञ, और पक्षी प्रेमी जो चाहते हैं कि पक्षियों की संख्या बढ़े, तादाद बढ़े। दूसरे होते हैं एग्रीकल्चर और ऑर्निथोलॉजिस्ट। एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी हिंदुस्तान में है, पूरे दुनिया में है। इसमें मैंने एक किताब लिखी है बर्ड्स इन एग्रीकल्चर, और मराठी में भी लिखी है शेतातील पक्षी। तो मैं रिसर्च पेपर जब पढ़ने लगा कि ये बर्ड्स इन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो सालिम अली साहब ने, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी एक रिसर्च पेपर लिखी रखी थी, वो मुझे पढ़ना पड़ा। जरूरी था कि समझने के लिए कि ये दो 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 तरह के लोग हैं पक्षियों की तरफ देखने के लिए,
जैसे अमेरिका में भी तोते थे बहुत सारे। एक अमेरिका में बड़ा सुंदर तोता था, उसका नाम था कैरोलाइना पैराकीट। तो उसके उसके बड़े बड़े झुंड थे, यानी कि 10,000 20,000 आते थे, खेतों में आते थे और फसलों का नुकसान करते थे। तो अमेरिका वालों ने जब उनका जिसको हम लोग प्रगति कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, आज हम जो करना चाहते हैं, तो ये करने के चक्कर में उनको लगा कि ये कैरोलिना पैराकीट बड़े ही दाने चुगता है और हमारे खेती को फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो जहां पे जैसे कि वो तो सामाजिक पक्षी है, साथ में सोते थे पेड़ों में, तो वो पेड़ पर बम लगा देते थे रात में, दिन में बम लगा देना और टाइमर लगा लगा देते थे दिन दिन में। जैसे रात में सारे पक्षी सोए हुए तोते, तो रात में बम धमाका कर देते थे, तो सारे के सारे कैरोलिना पैराकिट मर जाते थे। तो अमेरिका में जितने भी कैरोलिना पैराकिट्स, उनकी सोने की जो जगहें थी जिसको रूस्टिंग साइट कहते हैं, तो ये सारी जगहों पे बम लगा लगा के उन्होंने एक एक कैरोलिना पैराकिट को चुन चुन के मारा, और इस तरह से कैरोलिना पैराकिट इस दुनिया से लुप्त तो हो गया। समझिए, देखिए हमारा हम हमारा जो अनाज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इंसान क्या कर सकता है। एक अच्छी सुंदर दिखने वाली प्रजाति को उसको हमने कंट्रोल करने की, यानी उस पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की, उसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारे देश में भी ये एग्रीकल्चर ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये हमेशा दो 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 तरीके के, पुराना तरीका होता है कि उसको मार डालो, दूसरा तरीका होता है उसको मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी नियंत्रण भी का उसमें एक आ सकता है कंट्रोल। तो नेचुरल मेथड से भी कंट्रोल होता है और डिस्ट्रक्टिव मेथड से भी कंट्रोल होता है। डिस्ट्रक्टिव मेथड मतलब उस ठीक है बंदूकें लेके जाओ और उनको मार डालो, या जहर डाल के वो जहर लगा के दाना डाल दो खेत में, सारे पक्षी मोर ये जो भी खेत में आते हैं मर जाएंगे। इस तरीके से साइंटिस्ट इस पॉइंट ये चीज को देखते हैं कि पक्षियों का पक्षी पक्षी जो होते हैं हमारे अनाज को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इसको दो तरीके से इस तरह से देखते हैं। मैं जो है मैं पक्षी मित्र की बाजू से देखता हूँ, क्योंकि पक्षी जितना नुकसान करते हैं उससे ज्यादा वो हमें फायदा करते हैं। और यहीं पे फिर से सालिम अली साहब को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि पक्षी इंसान अगर पृथ्वी पे नहीं रहा तो पक्षी जी सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर इस धरती पर अगर कोई पक्षी नहीं रहा तो इंसान नहीं जी सकता, इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएंगी इंसान की प्रजाति। ये सालिम अली साहब ने कहा, फिर से वही, इसीलिए मैं उनको वंदना करना चाहता हूँ। मान कि वो एक फ्यूचर देख सकते थे और वो कोई चीज का महत्व, पक्षियों का महत्व जानते थे। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पक्षियों को नुकसान कारक नहीं, तो उनको एक इस इकोसिस्टम यानी परिस्थितिक, पूरा हमारा पर्यावरण है उसका एक हिस्सा वो भी है। तुम्हें हमें हर इंसान को जैसे जीने का अधिकार है, पक्षियों को भी उतना ही जीने का अधिकार है। इसलिए कि वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हम जाके उन्हें मारे, ये कर सकते हैं हम उनको मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसका सनियंत्रण नियंत्रण कैसे कर किया जाए, या उनको खेत में आने से कैसे रोका जाए, ये चीज पे अध्ययन होना चाहिए, ना कि इस पे कि उनको कैसे मारा जाए। इसीलिए मैंने जो पक्षी पक्षियों की जो बुक लिखी, किताब लिखी, तो आपने जो भी बताया कि भगवान जैसे लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो वो मैंने उसकी पुराने जमाने की एक मूर्ति की फोटो उसमें डाली है, तो उसमें लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठी है, उनका वाहन है। क्योंकि उल्लू, एक उल्लू जो है साल में करीब करीब 1,000 चूहों को, 300 चूहे तो खाता है, जब उनके चूजे होते हैं खुद के उल्लू के, तो उसको तो ज्यादा खाना लगता है, तो और ज्यादा चूहों को मारता है। ये अगर समझो एक उल्लू जो है साल भर में 200 चूहों को खाता है, समझिए कि उसको हर दिन नहीं मिला, अगर ये 200 चूहों को नहीं मारा तो चूहों की तादाद इस पृथ्वी पर इतनी बढ़ जाएगी कि दाना, एक दाना भी, एक दाने के लिए भी हम मोहताज हो जाएंगे। एक भी ज्वार है, गेहूं है, चावल है, एक दाना भी चूहे बचने नहीं देंगे। और चूहे इतने होशियार है, क्योंकि वो तो हमारे जाति के सस्तन प्राणी है, यानी कि मैमल्स, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। तुम कितने भी ट्रैप लगाओ, तुम कितना भी जहर रखो, आप सारे चूहों को नहीं मार सकते। चूहों को पता है कि क्या उनको खाना है, और वो जो दाना है वो खाते हैं ना, जैसे 20 ग्राम खाएंगे, 20 ग्राम खाने के चक्कर में 1,000 ग्राम यानी 1 किलो दाना तो उसके बिल में लेके जाते हैं, तो नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं, खाते बहुत कम है।
इनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उल्लू ही कर सकता है, क्योंकि चूहा जब जा बाहर निकलता है वो रात के अंधेरे में निकलता है, उसको रात के अंधेरे में ढूंढना, उसको अंधेरे में पकड़ना, ये सिर्फ उल्लू जानता है। और ये उल्लू को निसर्ग ने या भगवान ने, जिसको भी आप माने, इसलिए बनाया है कि इस निसर्ग हमारे हमारे प्रकृति में ये संतुलन बनाए रखे। और इसमें से हम एक तत्व को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम ही ये संतुलन को बिगाड़ेंगे, और इसका प्राइस, इसका मूल्य हमें ही देना है, हमें ही भुगतना है। वाह, कितनी सुंदर व्याख्या कर दी। मैं यही चाहता था कि बात पहुंचे जो हमारे यहाँ परंपराओं में, जो हमारे प्रथाओं में चीजें हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी वैज्ञानिक है, जो कि समाज के लिए उपयोगी है, कि हम देवी देवताओं के नाम पर इनकी पूजा करें और वो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं से हम रक्षा की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है कि हमारी रक्षा करेंगे, उनकी कृपा होगी, तो उनके वाहन से भी हमारी कृपा होगी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मुझे कुछ और भी पूछना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जुड़े हैं। गोवा से रूपाचारी, ये लेक्चरर हैं, ये जुड़ी हुई हैं, कमलेश पांडे जी, ये फॉरेस्ट में कंजर्वेटर की पोस्ट से अभी रिटायर हुए हैं, और उड़ीसी के गुरु रविंद्र अति बुद्धि जी, और ईश्वर लाल भवसार जी, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, ये जो हमारे इस आभासी मंच पर जुड़े रहते हैं, ये लोग जुड़े हैं, और इनकी इन्होंने बड़ी सराहना की, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का। रंजन देवनाथ रंज, फिर अभी उनका कमेंट आया हुआ है कि आप वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, तारीफ कर रहे हैं। एक प्रश्न हमें और पूछना है कि जैसे हमारी व्यवस्था में पंछियों को दाना दो, उन्हें पानी दो, हम सब कहते रहते हैं, हम देते भी रहते हैं, तो मुंबई में या नगरों में, मुंबई जैसे महानगर में तो विशेष रूप से ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसके बावजूद मोस्ट ट्रेडिशनल सिटी है मुंबई। यहाँ पर धर्म, आस्था, परंपराएं बड़ी, इसकी जड़ें बड़ी बहुत गहरी हैं। यहाँ पर कबूतरों के लिए बड़ा जगह जगह एक अड्डे हैं, कबूतर को दाना दिया जाए, उन्हें पाला जाए, बल्कि मेरी जान के लिए और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है कि कभी कबूतर घायल हो जाए तो उन्हें उनके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनको सूचना दी जाए, इस तरह की व्यवस्था मुंबई में है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कबूतरों से काफी बीमारियां भी फैलती हैं, काफी नुकसान भी है, तो इसका संतुलन, इसके बारे में भी अगर कुछ बता सके तो अच्छा। ये बड़ा ही अभी जटिल मामला होते जा रहा है मुंबई में, क्योंकि इसमें आस्था भी जुड़ी हुई है। और मैं खुद पक्षी प्रेमी हूँ, निसर्ग प्रेमी हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई पक्षी मर जाए। और मुंबई के लोग जो है बड़े पक्षी प्रेमी हैं, और सराहना करना चाहिए। और पक्षी ही नहीं, वो तो बिल्लियों के पे भी प्रेम करते हैं, कुत्तों पे भी प्रेम करते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं, बंदरों को भी खाना खिलाते हैं काफी सारे लोग, और बहुत सारा खर्च इस पे करते हैं। तो ये तो सराहना सराहनीय बात है कि वो इतना अच्छा काम करते हैं। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी वजह से कुछ चीजें हो रही है। अभी जो पक्षी शास्त्रज्ञ जो है वो, क्योंकि कबूतरों की तादाद जो है वो बहुत शहरों में, दुनिया में काफी जगह पर और काफी बड़ी हुई है। जैसे जैसे इंसानों का भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्पोर्ट हो चुका है संख्या का, वैसे कबूतरों का भी हो चुका है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि कबूतरों में बीमारियों का परसेंटेज वो बढ़ते जा रहे हैं। और वो कबूतर, क्योंकि वो हमारे खिड़की में घोंसला बनाते हैं, घरौंदा करते हैं, और कबूतर एक ऐसा पक्षी है कि जिसका घोंसला बिल्कुल साफ नहीं होता, बहुत गंदगी भरा होता है, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि घोंसला साफ कैसे रखना है। उसकी जो विष्ठा होती है वो बाहर नहीं फेंकते। बाकी बहुत सारे पक्षी प्रजाति है, उनको यह समझता है कि घोंसला साफ कैसे रखना है, इसलिए उनके घोंसले में कोई बीमारी नहीं होती, कोई कोई जीव जंतु जी नहीं पाते। लेकिन कबूतर के बारे में ऐसा नहीं है, और कबूतर के शरीर पे भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके पंखों में या परों में, वो भी एक है। तो घोंसला अगर बन गया आपके खिड़की में और आप खिड़की खुली रखते हैं, तो बहुत ज्यादा ये शक्यता है कि आपके घर के जो लोग हैं उनको खुजली हो जाए, या स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, या कोई अस्थमा दमा जैसी बीमारी का, बीमारी वाला कोई है तो उसका वो बढ़ जाए बीमारी, और या नहीं है तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाए। ये बीमारियां
और ये अभी शास्त्रज्ञ लोग, ये डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स और हमारे इंसानी डॉक्टर्स, ये इसके बारे में रिसर्च पेपर्स भी आगे आ रहे हैं। तो मुंबई महानगर पालिका ने तो मान लिया है कि ये कबूतरों को दाना डालना इतनी तादाद में ठीक नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हमने दाना डालना बंद कर दिया तो क्या कबूतर मर जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये होगा कि कबूतरों की एक हेल्दी पॉपुलेशन, यानी कि अच्छी तबीयत वाले कबूतर जिएंगे, और जो बीमार है, जो जिनके ऊपर बीमारियां है, जैसे जीव जंतु है, इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन में ऐसा कोई कबूतर ऐसे आसमान से गिर के नहीं मरेंगे, वो धीरे धीरे उसका संख्या उसकी संख्या फिर से कम हो जाएगी, और एक हेल्दी पॉपुलेशन हमारे शहर में बना रहेगा। अगर हम दाना नहीं डालते तो भी कबूतर बिल्कुल गायब नहीं होंगे या नष्ट नहीं होंगे, या तो इसलिए दाना डालने से ही कबूतर रहेंगे ये भी कहना गलत है। तो दाना नहीं डाला तो भी वो रहेंगे, और उल्टा वो हमारे यहाँ हेल्दी कबूतर रहेंगे और बीमारियों का प्रमाण भी कम हो सकता है। और अभी क्या हो रहा है कि कबूतर प्रेमी और फिर कबूतर की वजह से तकलीफ होने वाले लोग, इनका भी झगड़ा हो रहा है। तो फिर कबूतर बिल्डिंग में नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए भी कंपनियों का बिजनेस चालू हो गया है। जब कबूतर को बैठने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए, इसलिए नुकीले कांटे लगवा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी पर्चिंग डिवाइस। तो ये भी धंधा हो चुका है, कंपनियों ने एंटी पर्चिंग डिवाइस बेचना चालू किया है, लेकिन वो कुछ बड़ी बात नहीं है। पेड़ों पे भी लगा रहे हैं कि पेड़ पे कबूतर बैठने से उसकी विष्ठा हमारे कार पे गिर जाती है, तो कार गंदी हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। यानी कि जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो लोग हैं, वो कब उसके खिलाफ चिल्ला रहे, और जो खाना खिलाना चाहते हैं उनको पुण्य कर्म करना है, अच्छा काम करना है। मैं कहता हूं कि पुण्य कर्म करिए, जरूर करिए। तो हमारे देश में सिर्फ कबूतर ही पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं, 1300 प्रजातियों के पक्षी हैं। जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, मेरी संस्था है, WWF है, हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप उनको पैसा दीजिए, उनको डोनेशन दीजिए, आपका इनकम टैक्स भी बच जाएगा, और ये लोग वो पक्षियों के लिए काम करेंगे। जैसे गोडावन है, यानी मारडोक, जो मैंने कहा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है, हमारे देश में सारस नाम की एक क्रॉन्च की प्रजाति है, जो कि महाभारत रामायण की, जिसने जो आपने आपने अभी बताया कि रामायण का शुरुआत जिस श्लोक से हुआ था, जो सारस पक्षी के शिकार से, उसको बचाने के लिए हमको पैसा चाहिए। इन चीजों के लिए आप पैसा दीजिए, ना कि कबूतरों को दाना डाल। कबूतरों को दाना डाल के आपको भी, आपके बच्चों को भी, पोतों को भी तकलीफ हो रही है, आजू बाजू वाले लोगों को भी तकलीफ हो रही है। कबूतर बिल्कुल नहीं मरेंगे, चिंता ना कीजिए। और इस तरह से पुण्य कर्म भी हो जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, आपको इनकम टैक्स भी बच जाएगा। तो बहुत सारे काम हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कबूतरों को खिलाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, ये हम लोगों ने ये समस्या गंभीर है और विचारणीय है। मुझे लगता है हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं और बाद में भी जुड़ेंगे, इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और आपकी बातों पर विचार करते हुए अनुकरण करेंगे। एक समस्या और आती है पक्षियों के निवास के लिए। परिंदों का जो निवास है वो वृक्ष हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, लेकिन मुंबई शहर में विशेष रूप से, या कहिए देश में भी, जो सोशल फॉरेस्ट्री है, शहरों में या गांवों में जो पेड़ पौधे हैं कटते हैं, और मुंबई महानगर में तो विशेष रूप से ये एक तरह से ठेका दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया गया है कि वर्ष में 2 से 3 बार पौधों की छटाई कर देते हैं, पेड़ों की छटाई कर देते हैं। तो जो फैली हुई डालियां हैं जिस पर पक्षी बैठते थे, घूमते थे, अब वो सिकुड़कर छोटी छोटी हो गई है। जैसे मनुष्य मुंबई में 2 BHK और 3 BHK में रहना चाहता है, लेकिन 1 रूम किचन में रहता है और 1 रूम में बड़ा परिवार रहता है, ठीक वही स्थिति पक्षियों की भी हो गई है कि डालियां कम हो गई हैं, उनकी विस्तार कम हो गया है, तो थोड़ी सी जगहों पर वो असुरक्षित महसूस करते हैं। तो उनका जो आपने बताया कि दूसरे शिकारी पक्षी उन पर आघात करते हैं, गिलहरियां उससे नष्ट हो जाती हैं। तो इस दिशा में आपकी जो जितने ये संगठन है, जितने संस्थान है, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते कि वृक्षों की कटाई कम हो ताकि पक्षी उस पर रह सके, और उनका आक्रमण घरों में कम हो ताकि घर प्रदूषित ना हो और वो पेड़ों पर ही जीवन यापन कर सके। मुंबई जैसे शहर में जो है, शहर में रहने वाले पक्षी जो है, जिसे अर्बन बर्ड्स बोलेंगे,
ये इस तरह से उन्होंने खुद को खुद में बदलाव लाया हुआ है, एडाप्टेशन, इसलिए ये पक्षी शहर में जी सकते हैं। जैसे कबूतर हो गए, कबूतर जैसे वो ऐसे नैसर्गिक तरीके से नेचुरली, अगर उनका आदिवास देखे तो जंगलों में, पहाड़ों में जो क्लिफ्स होती है वहां पे जो जो अंदर क्रिवाइस होती है उसके अंदर घोंसला होना चाहिए कबूतरों का, इसलिए उसको ब्लू रॉक पिजन, रॉक पिजन यानी कि खड़क में बड़े बड़े पहाड़ियों के अंदर घोंसले बनाते हैं, जैसे कि गिद्ध बनाते हैं, वहां पे होना चाहिए। अभी जो हमारी जो बिल्डिंगे हैं उनको वैसे ही रॉक की क्लिप्स वैसे लगती है, और हमारी जो खिड़कियां है उसके अंदर के गड्ढे लगते हैं। इस तरह से उनको ये उन्होंने ये अपना आदिवास मान लिया और हमने दे दिया खाना। ये सारी चीजें जुड़ के आई है, और उन्होंने ये सीख लिया कि यहाँ पे हमें सबसे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि अपार्टमेंट तो 1 BHK तो क्या, खाना भी लगा हुआ है साथ में, सब चीजें मिल गई वैसे। और ज्यादा खाना डाल दिया तो कौवे भी आ गए। अब ये कबूतर जो है वो पूरे साल भर अपना घोंसला बनाता है, उसका जो प्रजनन होता है, ब्रीडिंग, वो साल भर चलता है। और जो दाना चुगने वाले पक्षी होते हैं उनका इस सृष्टि में ये रोल है, ये भूमिका है कि मांसाहारी जो पक्षी है उनके लिए खाना बनाए, यानी कि चूजे बच्चे, इनके जो बच्चे हैं मांसाहारी पक्षियों के लिए खाना बनता है। तो इसलिए दाना चुगने वाले पक्षी ज्यादा होते हैं तादाद में, और वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि शिकारी पक्षियों को खाना मिले। अभी हमारे कबूतर है, अभी कबूतर को शिकारी जो है जंगल में अगर होता तो वहां पे फाल्कन होता, बाज होते, ईगल्स होते थे, ये उनके बच्चे चूजे खा सकते थे। अभी शहर में तो ये पक्षी आएंगे नहीं, क्योंकि ये पक्षियों ने ये नहीं सीखा कि शहर में खाना है। यहाँ पे एक दो फाल्कन है, सिर्फ पेरेग्रीन फाल्कन होता है, वो सिर्फ मुंबई शहर में मिलता है, और चील मिलता है यानी कि ब्लैक काइट, ये दो ही शिकारी हैं जो कि कबूतर के चूजे खा सकते, बाकी कोई खाएगा नहीं। इसलिए उनकी तादाद पे नैसर्गिक संतुलन या कंट्रोल, नियंत्रण नहीं बचा। अभी ये कबूतर पेड़ में घोंसला नहीं करते, वो सिर्फ बैठते हैं यानी कि रेस्ट के लिए या रूस्ट के लिए पेड़ पे बैठते हैं, और सोते ही बिल्डिंग में भी, बिल्डिंग में ही सोते हैं। लेकिन कबूतरों को दाना ज्यादा डाला, कबूतरों ने बहुत सारे चूजे पैदा किए, उनको खा रहा है कौवा, और बचा हुआ खाना भी खा रहा है कौवा। जैसे रोटी डाल दी तो कौवे ने खा ली, तो कौवों ने भी सीख लिया कि कबूतरों का दाना उनका खाना खा लिया, तो कौवों की तादाद बढ़ गई। अब ये कौवे क्या है, बहुत होशियार पक्षी है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो ये कौवे बाकी सारे जो पक्षी मुंबई में हुआ करते थे, खास तौर पर मैं दक्षिण मुंबई के बारे में कहूंगा, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन पूरा हुआ है, और पेड़ भी है लेकिन कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है इसलिए, और ज्यादा दाना डालते हैं इसलिए कौवे और कबूतर ज्यादा है। अभी इन दोनों की तादाद जैसे बढ़ गई, कौवा इंटेलिजेंट बढ़ रहे, तो दूसरे कोई पक्षी का घोंसला टिकने नहीं देगा। जैसे मैना है या कोई भी पक्षी है, वहां आके अगर घोंसला बनाने की कोशिश करेगा तो कौवा वो ढूंढ लेगा, उसके अंडे फोड़ के खा लेगा, उसके बच्चे चूजे खा लेगा। इसलिए दक्षिण मुंबई में आपको पक्षी भी, पक्षियों की प्रजातियां बहुत कम मिलेंगी। ये जो पक्षी वहां पे जो भी मिलेंगे आपको, वो सारे पक्षी जो है वो शहर के हिसाब से उन्होंने खुद में बदलाव लाया हुआ है, वही पक्षी आपको मिलेंगे। बाकी पक्षी वो वहां से गायब हो चुके हैं। आप अगर नेशनल पार्क में जाएंगे तो आपको 200 प्रजातियां मिलेंगी, साउथ मुंबई में जाएंगे आपको 20-30 प्रजातियां मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में मिलेंगे। आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे जाएंगे 1,000 कबूतर, 200 कौवे मिलेंगे। नेशनल पार्क में आप जाएंगे तो आपको 2 घंटे में 50 प्रजाति के पक्षी मिल जाएंगे, लेकिन दो दो ही मिलेंगे, दो पक्षी ये प्रजाति के, दो पक्षी ये प्रजाति के, टोटल हो गए 100 पक्षी। वहां पे आपने 1,000 देख लिए तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया में ज्यादा पक्षी दिखे, लेकिन प्रजातियां कितनी है, यानी कि डाइवर्सिटी, पक्षियों की डाइवर्सिटी शहरीकरण यानी नागरीकरण के साथ में खत्म होती है, कम होती है, और जहाँ पे नैसर्गिक अधिवास बचा हुआ है वहां पे उसकी डाइवर्सिटी बनी रहती है, लेकिन पक्षियों की तादाद ज्यादा नहीं होती, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, विविधता, वैविध्य वो ज्यादा होती है। देखिए शहरीकरण का जो ये परिणाम है, कुछ पक्षी सिर्फ हमारे वर्तनों, हमारे बर्ताव का फायदा उठाते हैं, और बाकी पक्षी वो फायदा नहीं उठा पाते, तो वो अधिवास छोड़ के चले जाते हैं। तो यही है इसमें, एक और एक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो पेड़ तोड़ना या उसकी जो अच्छी अच्छी टहनियाँ है उसको बिल्कुल बेरहम तरीके से काटते हैं। वो कारण क्या है, बोले हमारे कार के ऊपर गिर जाता है,
लेकिन वही पेड़ उसको कार को छाव के लिए चाहिए धूप में, तो वो पेड़ उसको पक्षियों की विष्ठा है इसलिए नहीं चाहिए। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैटर है। तो तोड़ देते हैं और तो बड़े ही क्रूरता से काटते हैं, कभी कभी तो सारी टहनियां काट देते हैं, जैसे हाथ पैर मुंडी गर्दन काट दी, फिर क्या बचा इंसान, वैसे वो पेड़ क्या बचा, सिर्फ उसका ट्रंक उतना रख देते हैं। बड़ा बड़ा तना बड़ा अजीब सा लगता है ये। बचाने जाता है, बड़ा अजीब सा है ये। देखिए, जी इतनी सुंदर जो संतुलन की बात कही है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ व्यवसाय से काम नहीं चलना है, लोग जागरूक हों, पहले समझें कि इन पेड़ पौधों की, वृक्षों की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, इन पंछियों की आवश्यकता क्या है, इनसे जुड़े ना। एक बड़ी रोचक जानकारी एडवोकेट राजीव मिश्र जी ने दी है कि कौवे, आपने कहा ना बड़े चालाक होते हैं, यहाँ मुंबई के कौवे ये गाठिया होता है, गाठिया को पानी में भिगो कर खाते हैं, इतने समझदार जी होते जी हैं। एक और हमारे प्रशांत जी ने, प्रशांत जोशी ने एक प्रश्न पूछा है, तोता कब बोलना शुरू करते हैं और उनसे कैसे मित्रता की जाए? तोता जो है ना बड़ा अजीब पक्षी है। तोते के जो बच्चे, ये चूजे होते हैं ना बच्चे, उनको ये नहीं पता होता है कि अपनी मातृभाषा क्या है। जैसे कोयल होती है, कोयल तो अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में डाल देती है और कौवे को मामा बनाती है। तो कौवा मामा जो बन गया, कौवा मामा कोयल के बच्चों को बड़ा करती है, और जैसे ही कोयल का बच्चा बड़ा हो गया, उड़ने लायक हो गया, तो अपने जो ये फोस्टर पेरेंट्स हैं, जिनके यहाँ पे उसने खाना पीना खा के बड़ा हो गया, उनको छोड़ के अपने खुद कोयल बन जाता है और कोयल के जैसे गाना चालू करता है। यानी कि कोयल का बच्चा कौवे के घोंसले में भी रह के कोयल कौवे की भाषा नहीं सीखता, वो खुद की ही भाषा बोलता है। इससे एकदम उल्टा है तोता। तोते का बच्चा जब, या चूजा जब घरौंदे में घोंसले में होता है, तो उसको पता नहीं होता कि मेरी मातृभाषा क्या है, मैं मिठू मिठू मुझे बोलना है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता। अब क्या होता है कि जो चूहे, ये तोते के जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, उस तोते बेचने वाले, वो तो जब चूजे होते हैं उसको ही निकाल के लेके आते हैं। और तो इसके इसके चूजों को बड़ा करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो फल खाते हैं, उसको कोई भी फल खिलाते रहो, मिर्ची से लेके अमरुद तक, केला भी कुछ भी खाएगा, पपाया भी खाए, पपीता भी खाता है, ये सब खाता है, तो उसको बड़ा करना बड़ा आसान है। अब ये तोते के बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी भाषा क्या है, मातृभाषा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि हम उसको इंसानी भाषा में समझने की कोशिश करने के उनकी लिए उसको भी मातृभाषा अपनी नहीं भाषा पता। होगी। तोते को हम घर में लेके आए, अभी इसको पता नहीं कि मेरे माँ बाप क्या बोलते हैं, तो आप उसको बोलो हेलो तो वो भी बोलेगा हेलो, आपके घर की घंटी बजती है टिन टिन, वो भी टिन टिन बोलता है। पुराने जमाने में वो ट्रिंग ट्रिंग वाले फोन होते थे, वो ट्रिंग ट्रिंग करते थे, आप इडियट बोलो वो भी इडियट बोलते हैं। तो इस तरह से वो ह्यूमन इंसानी भाषा सीखता है, बराबर है, क्योंकि उसको उसकी भाषा पता नहीं है। ये तोते के बच्चे को अगर आप जंगल में छोड़ देंगे, जब वो उड़ सकता है, जैसे 5 साल आपने पिंजड़े में दिया और फिर कोई आपको दोस्त ने बोला कि अरे ये तो, इसका तो आसमान घर है, इसको तो छोड़ देना चाहिए, तो जब छोड़ के जाएगा तो उसको दूसरे तोतों के साथ कैसे बोलना है उसको पता नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस पक्षियों की दुनिया में। और ये तोता बड़ा अजीब, इस तरह से ये बड़ा कंफ्यूज बर्ड है, और इसकी जो ये जो लर्निंग है, इसको हम लोग मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री यानी कि दूसरों की जो भी आवाज है उसको वैसे के वैसे बोले जाए, लेकिन ये पाया गया है कि वो सीख सकता है, यानी कि वो दो चीजें कोऑर्डिनेट कर सकता है। जैसे कोई आदमी आया, उसको आप अगर हर बार कोई आदमी आने के बाद वेलकम बोलते जाओ, तो कुछ दिनों के बाद सीख जाएगा कि कोई भी आदमी आता है तो उसको वेलकम बोलना है। कई पक्षी और हैं, जैसे मैना भी बहुत अच्छा बोलती है, एकदम मनुष्य की तरह ही बोलती, कई बार तो भ्रम हो जाए कि आदमी बोल रहा है या पक्षी बोल रहा है, इतना जी हाँ, भ्रामक वो है। है और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आवाजों की बड़ी अच्छी कॉपी, जंगली पक्षी हैं, वो आवाजों की बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं। लेकिन जी इन जनरल, सामान्य रूप से पक्षियों में आपस में संवाद, एक ही प्रजाति के पक्षी संवाद कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे के, जैसे आपने शुरू में बताया था कि पक्षी कहीं भोजन है तो लोगों इशारा करते हैं, सब एकत्रित होकर चले जाते हैं, तो ये जी संवाद किस भाषा में करते हैं, उनकी कोई भाषा होती है या कोई वाइब्रेशन से वो संदेश भेजते हैं, क्या है इसके पीछे? पक्षी तो बोलते हैं, उनकी भाषा है, ये जरूर है कि उनकी भाषा हमारी ये इंसानी भाषा की इतनी समृद्ध नहीं है,
और ये भी हो सकता है, संभव है कि उनके पास उतने शब्द नहीं है जितने हमारे पास है, लेकिन लेकिन वो ठीक है, उनके जीने के लिए जैसे खाना पानी, प्रजनन और खुद की सुरक्षा करना, ये जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत तत्व है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए उनकी भाषा काफी है, उतनी भाषा वो तो सीख लिए है उन्होंने। तो जैसे कि खुद के लिए जोड़ीदार ढूंढना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पक्षियों, और जो नर या गाना गाते हैं, बहुत सारे पक्षी हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और जो मादा होती है उसको पूरा अधिकार है ये तय करने का कि किसके साथ मैं जोड़ा बनाऊं। ये सारे ज्यादा से ज्यादा पक्षी प्रजातियों में मादा तय करती है कि किसके साथ जोड़ा बनाना है, इसलिए पक्षियों को बड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। तो ये स्पर्धा के चक्कर में पक्षी अच्छा से अच्छा गाने की कोशिश करती है, और ये गाने वाला जो है इसलिए उत्क्रांत हुआ है इस पक्षियों में। ये एक चीज हो गई, यानी कि जोड़ीदार मिलाना, जोड़ीदार मिलाने के लिए गाना गाना, ये एक हो गया। दूसरा है खतरे का या धोखा, डेंजर का, सारे भाइयों को इशारा देना, ये तो सब पक्षियों ने पहले ही सीखा है, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। फिर खाने की उपलब्धता, यानी कि कोई कई जगह पे खाना है वो एक दूसरे को बताना, वो एक हो गया। दूसरा माँ बाप और बच्चों की भाषा, बच्चे जो चूजे जो होते हैं वो माँ इस तरह से बोलते हैं कि माँ बाप उनके समझ जाए, तो माँ बाप जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो आ रहे हैं खाना लेके, वो तुरंत चोंच खोल देते हैं, एक विशिष्ट आवाज निकालते हैं ताकि माँ बाप प्रेरित हो कि ज्यादा से ज्यादा खाना लेके, उसके लिए भी एक आवाज निकालते हैं, वो भी आवाज है। तो इस तरह से अलग आवाजें होती है, और एक आवाज होती है जिसको सब सॉन्ग, यानी कि गाने की प्रैक्टिस। जब प्रजनन काल नहीं होता और सवेरे पेट भर चुका है, शाम को बहुत वक्त है, तो दोपहर में पक्षी एक जगह पर बैठ के गाने की प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं सब सॉन्ग। ये भी एक तरह का गाना होता है। तो इस तरह से पक्षी जो है अलग अलग तरह के आवाज निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं खुद की जिंदगी में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इसका तो बहुत अध्ययन हो रहा है। और एक होता है उसमें कॉन्टेक्ट कॉल, कॉन्टेक्ट कॉल मतलब एक दूसरे को बताना, जैसे छोटी चिड़िया है, उदाहरण के लिए लेते हैं हमारी सनबर्ड लेते हैं, सनबर्ड को हम तो शिंजीर बोलते हैं, और मेरे हमारा हिंदी में मुझे याद नहीं, सोच रहिया सोन चिड़िया नहीं, सोन शिंजीर या ऐसा कुछ, फुल 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 चुकी है ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये जो बर्ड है हमिंग बर्ड के जैसा जो दिखता है सन बर्ड, तो ये जो बर्ड है समझिए कि ये नर मादा है और घने जंगल में है, और वो खाना ढूंढ रहे हैं। अभी घने जंगल में तो बहुत टहनिया है, हरियाली है, पत्ते हैं, उसमें एक दूसरे से संपर्क करना है, तो वो जब भी खाना ढूंढ रहे तो दोनों आवाज करते रहेंगे, चिट 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 चिट, यानी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, वेयर आर यू, आई एम फाइन, इस तरह से ये मिस कॉल देते रहेंगे दिन भर, खूबसूरत, और मैं यहाँ हूँ, मेरा लोकेशन, मैं यहाँ हूँ, ओके हूँ। और जब उनको एक दूसरे को मिलना है तो दूसरी आवाज करेंगे, तुरंत दूसरा उसके पास दौड़ के, यानी कि उड़ के आ जाएगा। इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में रहते, क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं पाते। और जैसे हिमालय है, हिमालय में घना जंगल है, वहां पे भी बहुत सारे पक्षी एक दूसरे को देख नहीं पाते क्योंकि घना जंगल है, और बहुत बार तो दिखना खतरा भी है, बराबर है। तो जैसे ही दिन निकलता है तो पक्षियों को इसकी उद्घोषणा करना जरूरी है कि मैं यहाँ हूँ और ये मेरा अधिवास है, यानी कि एरिया, टेरिटरी, मैं इस एरिया का दादा हूँ या रहवासी हूँ, दूसरे पक्षी मेरे प्रजाति के अगर कोई है तो इधर ना आए, ये मेरा खाना ढूंढने का और जोड़ीदार ढूंढने का, घोंसला बनाने का इलाका है, कोई ना आए। इसलिए सवेरे रोशनी होने के पहले, जब अंधेरा ही होता है, तब से ही गाना चालू कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि मेरा इलाका है। इस तरह से पक्षियों की बड़ी है, और उसका अध्ययन अभी बहुत हो रहा है, और मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा आ चुकी है, तो बड़ा ही मजेशीर है, ये अद्भुत है। आरती ने एक प्रश्न किया है कि ये पक्षी सोते कब है और कैसे सोते हैं। पक्षी दो 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 तरह के पक्षी है, रात में सोने वाले और दिन में सोने वाले। तो रात में सोने वाले तो आपको सबको पता है, गौरैया है, कौवा है, कोयल है, ये सब तोते हैं।
और दिन में सोने वाले जो है उल्लू प्रजाति के पक्षी हैं, और नाइट जार्स है, बहुत सारे पक्षी प्रजाति है जो दिन में सोते हैं और रात में खाना ढूंढते हैं। तो पक्षियों में एक खास बात होती है, जो इनको उनके जो पैर होते हैं, जो पेड़ में सोने वाले पक्षियों के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ पक्षी तो जमीन जमीनी पक्षी होते हैं, यानी कि ग्राउंड ड्वेलिंग, जमीन पे रहने वाले, उनमें ये चीज नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो उंगलियां होती है, सामने 3 उंगलियां, पीछे 1 उंगली होती है अंगूठा, जो टहनी पे जब टच करते हैं तो ये उंगलियां खुद ब खुद बंद हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म जो है, जब भी वो बैठ जाए खुद ब खुद बंद हो जाता है, वो पक्षी को सोचना नहीं पड़ता। जैसे मेरे मेरे दिल की धड़कन चल रही है, मुझे कहना नहीं है मेरे दिल को कि धड़कते रहो भाई, वैसे उन पक्षियों को जैसे वो टहनी पे स्पर्श हो जाए वो बंद हो जाते। तो जब वो सोते खुद ही खुद बंद ही रहते हैं, वो पक्षी कभी गिरता नहीं। ये इन पक्षियों को पेसेरिन्स बोलते हैं, और ये पर्चिंग मैकेनिज्म। तो जमीनी जो पक्षी है वो पैर को फोल्ड करके, जैसे हम भारतीय बैठक कहते हैं, उस तरह से वो बैठ जाते हैं जमीन पे और उसी पोजीशन में सोते हैं। एक पक्षी और है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है वो, बया। डॉक्टर सालिम अली एक डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था हिंदुस्तान से। जी डॉक्टर जी सालिम अली ने ढूंढ कर निकाला उसे, उस प्रजाति जी को फिर से। जी तो थोड़ा उसके बारे में, बहुत रोचक है उसकी कहानी, मैं चाहता हूं जी आप बताएं उसे। भारत में एक पक्षी है, उसका नाम है येलो वीवर, या उसको फिन्स वीवर भी बोलते हैं। फिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको ढूंढा था। तो ये हिमालय के तराई तराई प्रदेश, यानी कि जहाँ पे ऊंची घास मिलती है, उसको तराई प्रदेश बोलते हैं। तो कम कम ऊंचाई पे मिलता है, हिमालय में काफी ऊंचाई पे नहीं जाना है, उत्तराखंड में या ऐसे ऐसे प्रदेश में। तो ये फिन्स वीवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और सालिम अली साहब ने उस जमाने में ढूंढा था। और ये फिन्स वीवर का घोंसला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ी कारागिरी होती है, और पेड़ के ऊंचाई पे या ऊंचा जो घास होता है, तराई तराई वाला घास, उसमें वो घोंसले बनाते हैं। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मेरे साथ में डॉक्टर रजत भार्गव नाम से एक साइंटिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, बड़ा पैशनेट बंदा है वो इस, और उन्होंने काफी जानकारी इकट्ठी की है और नई नई जगह पे उनके घोंसले। लेकिन दुख की बात यह है कि ये फिन्स व्यूअर की तादाद, यानी कि संख्या, बड़े ही तेजी से कम होते जा रही है। ये बड़ी समस्या है, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है, रजत बड़ी मेहनत ले रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। जी जी, एक पक्षी, और जैसे पक्षियों में संवाद आवाज से होता है, कई बार हमने देखा है कि रूपाचारी गोवा से बहुत तारीफ कर रही है, विशेष जानकारी मिल रही है, उन्होंने लिखा है हमारे जी नए घर में पंछी बहुत आते हैं, घबराहट जी जी सुनकर बार बार प्रसन्न होता है, चहचहाट जी चहचहाट सुनकर प्रसन्नता होती है, इन्होंने जी लिखा है। अब बताइए, आपका ये कार्यक्रम दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जी, रूपा जी का धन्यवाद। और एक चीज और होती, कई बार हमने देखा अर्थक्वेक या थोड़ा सा तूफान की स्थिति हो, कोई इस तरह से जो प्राकृतिक आपदा आने की स्थितियां होती हैं, मैंने पक्षियों को देखा या तो सहम जाते हैं या तो उनमें कोई इस तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगती है, विशेष रूप से भूकंप के समय। तो कैसी संवेदना है और कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह के पक्षी इस पर रिएक्ट करते हैं? मुझे तो लगता है कि पक्षी ही नहीं, तो बाकी भी जो जंगली जानवर है, वन्य प्राणी हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं हमारे से बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत शार्प है। और पक्षी ये पहले ही जान जाते हैं, यानी कि जैसे धरनीकंप होना है, भूकंप होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो जानवर है, इनको हमारे से पहले जरूर पता चलता है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, उनको भी पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, मछलियों को पता चल जाता है कुछ होने वाला है। और अगर इसके बारे में और अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता है कि ये हमें बहुत कुछ जानकारी निसर्ग के बारे में, आने वाली आपदाओं के बारे में दे सकते हैं, और इसमें संशोधन होना जरूरी है। जी एक महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं चाहूंगा कि देश के वैज्ञानिक और कृषि वैज्ञानिक विशेष रूप से ध्यान दें,
हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान देना आवश्यक है। ये वल्चर्स हैं जो गिद्ध हैं, अचानक खत्म हो गए, तो इसके खत्म होने के पीछे की कहानी अक्सर लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इसे दोहराएं जरूर, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो अनाज है, उसमें खेतों में यूरिया बहुत दिया जाता है या केमिकल्स बहुत होते हैं, जिन केमिकल्स के कारण अनाजों में केमिकल की मात्रा होती है और उनको जानवर खाते हैं, और जानवरों के गोश्त में ये डिकम्पोज होता है, इसमें एकत्रित होता है, तो उसके बाद जब ये मरे हुए जानवरों को गिद्ध खाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, इनके इनकी प्रजाति। इस बारे में थोड़ा सा आपकी संस्था क्या कर रही है और किस तरह से इनको बचाए रखा जा रहा है, किस तरह से इन्हें बचाए, क्योंकि ये पर्यावरण की सफाई का बहुत बड़ा काम करते हैं ये, तो आप इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये तो सही है कि गिद्ध जो है वो हमारे निसर्ग रक्षक है, स्वच्छता रक्षक है। आज भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो गिद्धों ने ये स्वच्छ भारत अभियान तो हजारों सालों से हमारे देश में चलाया था, आज हम चला रहे हैं। तो गिद्ध निसर्ग स्वच्छ, यानी कि मरे हुए जानवर को खाके उस मरे हुए जानवर से बीमारियों फैलाने से हमको बचाते थे, इंसानों को बचाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि अचानक पता चला कि हमारे जो साइंटिस्ट है डॉक्टर विभु प्रकाश, वो भरतपुर में उस समय काम करते थे, उनको पता चला कि 90% गिद्ध जो है वो गायब हो चुके हैं। और फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की तरफ से उसके ऊपर संशोधन किया गया और पता चला कि एक वेदना यानी कि दर्द कम करने की जो दवा है, दर्द नाशक दवा डाइक्लोफिनैक, उसकी वजह से गिद्ध मर रहे हैं। ये जो डाइक्लोफिनैक है ये इंसानों को और जानवरों को दोनों को दी जाती है दर्द के लिए। तो ये डाइक्लोफिनैक जो है इंसानों के लिए तो इतनी नुकसानकारक नहीं है, जानवरों के लिए भी नुकसानकारक नहीं है, दर्द से तो मुक्ति दिलाती है, लेकिन ये दवा जैसे कि 24 घंटे में हमारे मूत्र या विष्ठा से निकल जाना चाहिए, वैसे वो प्राणी के मूत्र या विष्ठा से निकल नहीं जाती, जबकि वो किडनी में चली जाती है, किडनी में रहती है, लीवर में रहती है, और उसी टाइम अगर वो जानवर मर जाता है तो उसके जो उसका जो शव है उसमें यह दवा रह जाती है, और इस शव को खाने के बाद जो गिद्ध है वो ये दवा को हजम नहीं कर सकता, यानी कि वो जानवर को ज्यादा तकलीफ नहीं होती वो दवा से, उसको तो दर्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन गिद्ध के किडनी से ये दवा फिल्टर नहीं होती और उसमें रुक जाती है, उसके लिए जहर साबित हो जाती है और गिद्ध मर जाते। अच्छा, कौवे नहीं मरते, कौवे भी वो मरे हुए जानवर को खाते हैं, कौवे को कुछ नहीं होता, वो नहीं मरते, लेकिन सिर्फ गिद्ध मरते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये फाइंडिंग है और काफी रिसर्च हुआ और यही साबित हुआ है बार बार। तो फिर हम लोगों ने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने और भारतीय पर्यावरण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है हमारी मंत्रालय है, उन्हें भी समझाया, और फिर उन्होंने इसको ये डाइक्लोफिनैक पर बंदी लगवा दी, यानी बैन करवाया कि उसको जानवर के लिए इस्तेमाल ना करें, वेटरनरी यूज के लिए इस्तेमाल ना करें, इसके लिए बंदी कर दी। लेकिन क्या हुआ कि जानवरों का जो इंजेक्शन था वो 30 ml का होता है, वो बंद हो गया, लेकिन इंसानों के लिए भी 30 ml का इंजेक्शन आता है, जो कि 3-3 ml 10 आदमी को लगवाते हैं। फिर क्या हुआ कि वेटरनरियंस जो है, जो जानवर के जो डॉक्टर है, उन्होंने वो वाला जो इंसानों के लिए था उसको इस्तेमाल किया, करना पता नहीं था कि क्यों बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए बड़ा ये छेड़ना पड़ा कि जागरूकता अभियान छेड़ना पड़ा, रेडियो, FM रेडियो तक किया, शायद आपने भी किया हो, वो एडवर्टाइज जो गवर्नमेंट की थी वो उसको प्रसारित की होंगी, तो बड़ा आंदोलन आंदोलन प्रचार मुहिम छेड़ना पड़ा, ये जानवरों पे डाइक्लोफिनैक इस्तेमाल ना करें। तो फिर से हम गवर्नमेंट के पास जाके हमने उनको समझाया कि ये 30 ml जो है जानवरों के लिए भी बंद कर दीजिए, ताकि कोई इस्तेमाल ना करे, तो सिर्फ 3 ml रखा है अभी हिंदुस्तान में। अब ये ऐसा हो रहा है कि 3 ml के 5-5 इंजेक्शन लगवा रहे, तो भी लगवा रहे हैं, क्योंकि जानवरों की जो ट्रीटमेंट करते हैं हर बार जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है वो नहीं करता है, जिसको हम लोग क्वैक बोलते हैं, क्वैक मतलब डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर ही करके फिर वो आदमी डॉक्टर बन जाता है और कोई खेड़े में जाके अपना दवाखाना खोलता है सिर्फ जानवरों के लिए। उसको ये पता नहीं कि हम शहर में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने 20 साल पहले अपने गुरुजी से, जो सही डॉक्टर है,
जिनसे प्रशिक्षण लिया था, वही दवा वो ढूंढता है और जाके दुकान में मांगता है। दुकानदार बोलता है कि साहब वो जानवरों को नहीं देना है, उस पर बंदी आ चुकी है। लेकिन वो बोलता है कि तुझे क्या समझता है, मुझे समझता है, हमारे गुरु जी ये थे। और फिर वो वही दवा मांग के फिर से देता है। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान के 99% गिद्ध आज हमने खो दिए हैं, और अभी बहुत ही कम गिद्ध बच चुके हैं। एक गिद्ध अगर दिख गया तो मैं खुद मानता हूं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गिद्ध दिख गया। जी, ये आप लोग बात बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत से हमारे दर्शक जुड़े हैं। आशा सिंह भोपाल से लिख रही हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं। आरती ने एक सवाल और पूछा है कि अब छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब हम चाहेंगे कि जी। किस पक्षी को गुस्सा बहुत आता है। तोते को भी आता है, बहुत कौवे को भी आता है। कौवा और जितने भी शिकारी पक्षी हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, आपको जी, जैक से या पैर से, नाखूनों से। एक पिछले दिनों समस्या आई थी, टिड्डियों का दल जी आक्रमण करता है, पूरी फसल को, वनस्पति को, पेड़ पौधे की पत्तियों को चाट जाता है। ऐसे में जो हमारे यहाँ के पक्षी हैं, अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो टिड्डियों से युद्ध कर लेते हैं, उनका भोजन माने उनकी तो पूरा जश्न और कह लीजिए दावत हो जाती है। लेकिन पक्षी कम हो गए हैं इसलिए टिड्डियों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान में विशेष रूप से टिड्डी बहुत नुकसान किया करते हैं, तो इस दिशा में कुछ आपका अनुभव? जैसे कि हिंदुस्तान में एक माइग्रेटरी बर्ड है, रोजी स्टारलिंग, पलाश पलाश मैना या गुलाबी मैना भी बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ वो टिड्डियों का दल और ये रोजी स्टारलिंग का माइग्रेशन का टाइम, ये दो चीजें अगर जुड़ जाती है तो ये रोजी स्टारलिंग की तादाद इतनी होती है एक दिन में पूरा टिड्डियों का दल खत्म कर देंगे। अगर वो जुड़ वाह जाए, अगर वो जुड़ जाए यानी कि एक ही दिन में अगर आता है। नहीं तो हमारे यहाँ कोई पक्षी प्रजाति ऐसी नहीं है कि जो टिड्डियों का दल इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पक्षी प्रजाति का इतना बड़ा दल हमारे पास नहीं है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये पर्यावरण बदलाव और बहुत सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है, हम खुद इंसान इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि हम जो कुछ बुरा काम कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया, यानी कि गिव एंड क्या बोलते हैं उसके, एक्शन एंड रिएक्शन, इस तरह से हो रहा। टिड्डियों को लेकर ये अगर हमारे पाकिस्तान में इस कार्यक्रम को लोग देखें तो निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि टिड्डियों की समस्या उनके यहाँ बहुत ज्यादा है और उनके यहाँ से हमारे यहाँ भी चली आती है, हमारी भी सुरक्षा इससे होगी। अब बहुत सारी बातें तो हमने कर ली, मेरे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपने दे दिया। एक प्रश्न और है, जो जी पक्षियों के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं, अक्सर जंगलों में जाते हैं, मैंने देखा है यहाँ संजय गांधी नेशनल फॉरेस्ट में लोग कैमरा लेकर जाते हैं, पक्षियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, घंटों पक्षियों को देखते रहते हैं, उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, पूरे देश में इस तरह के लोग हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ये नहीं है कि पक्षियों को विशेष रूप से देखने के लिए कहाँ जाएं ताकि पक्षियों के बारे में जान सके और इस विषय पर उनको पूरी जानकारी मिले और आसानी से पहुंच भी सके, तो कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएं और कैसे जा सकते हैं ये भी बताएं। मैं ये मानता हूं कि पक्षियों को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खिड़की से बाहर देखो पक्षी आपको दिखेंगे। हिंदुस्तान में जहाँ पे सिर्फ बर्फ है यानी कि हिमालय की ऊंचे ऊंची चोटियों पे छोड़ के, वहां पे भी पक्षी है, कम है, हर जगह पक्षी है। तो आप जहाँ पे भी जा सकते हैं, घर से बाहर निकल के चलना शुरू कीजिए तो आपको पक्षी दिखेंगे, खिड़की से बाहर देखेंगे तो पक्षी दिखेंगे। बहुत लोग ऐसे हमें हमें कहते हैं कि हमने गौरैया नहीं देखी। मैं कहता हूँ कि क्या आपने आपने ढूंढा कभी जब आते हो, क्योंकि आप हम हमको हमारी जो जिंदगी है, जो रूटीन है हमारा डेली रूटीन, उसमें हमको वक्त ही नहीं कि हम इधर उधर देखें। हमारे आजू बाजू में गौरैया होती है, बहुत सारे पक्षी होते हैं। जिस बार लॉकडाउन हुआ उस तब लोगों को पता चला कि उनके घर के आजू बाजू में कितने तरह के पक्षी हैं, जो कलरव, किसी ने अभी कमेंट्स में लिखा था कलरव, ये पक्षियों की चहचहाट, वो आती है और बहुत घर के आजू बाजू में होते हैं। तो हमारे देश में पक्षी अभयारण्य है, बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, और एक हम लोगों ने
650 से भी ज्यादा ऐसी जगह ढूंढी है हिंदुस्तान में जो कि पक्षियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसका नाम ही हमने रखा है इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज, 660 से ज्यादा है ये। इसका लिस्ट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। इसमें से ऐसी जगह जाइए जो नेशनल पार्क नहीं है, जो टाइगर रिजर्व नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसी जगह जाइए, क्योंकि इन जगहों को आपके आने की जरूरत है। आप जाओगे तो वहां पे कौन से पक्षी है उसके बारे में दुनिया को पता चले, आप उसके बारे में लिखिए। आप सिटीजन साइंस है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ई बर्ड नाम की वेबसाइट, उसमें डालिए कि आपने कौन से पक्षी दिखे, तो बाकी लोगों को दुनिया को पता चलेगा कि इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। उसके बारे में हमने लिख के रखा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है उसको कोई संरक्षण, अधिकृत संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत पक्षी है। अब जैसे आपके घर के आजू बाजू में कोई छोटा सा तालाब है, छोटी सी झील है, कोई डैम है, अननोन है, मतलब दुनिया को पता नहीं है, आप जाइए उसको एक्सप्लोर करिए और फिर पता लगेगा कि कितनी चिड़िया है। आप हमको बताइए कि ये कितनी सुंदर जगह है, ये मैं चाहूंगा। तक ये नहीं, भरतपुर में पक्षी अभयारण्य है, सबको पता है, वहां पे हजारों लोग जाते, वहां पे जाने से अच्छा है क्योंकि उसके बारे में सबको पता। आप दूसरी जगह ढूंढ के उसके बारे में हमको बताइए, दुनिया को बताइए कि कितनी सुंदर जगह आपके घर के पास में है। उसमें आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा, ये आनंद मिलेगा क्योंकि वो खोज आपकी रही है, यही तो खोज करना है, यही तो डॉक्टर साहब खोज। अपने वेबसाइट, जो वेबसाइट आपने बताई एक बार फिर से बताई, ताकि लोग उससे जानकारियां भी प्राप्त कर सकें और उनके पास जानकारी हो तो दे भी सकें। आप वेबसाइट एक बार फिर से धीरे धीरे बताइए ताकि नोट कर लें। हमारी जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वेबसाइट है bnhs.org, और दूसरी है एनविस envis.org। ये है एनविस, हमारा पक्षियों के बारे में सारी जानकारी रखने का वेबसाइट है एनविस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और BNHS मिला के ये चलाते हैं, इसमें सारा डेटाबेस है। एक प्रश्न और आ गया है, किस पक्षी की आयु सबसे लंबी होती है? इन्होंने अपना संभाव कहा है शायद गिद्ध की होती है, तो कंफर्म करना चाहते हैं। जी, शायद गिद्ध की होती है, तो फ्लेमिंगो भी होते हैं। एक फ्लेमिंगो के पैर में रिंग लगाई थी एक साइंटिस्ट ने, वो 50 साल के बाद जिंदा मिला है, अभी भी है और जिंदा है उड़ रहा है। आश्चर्य है, आपने इतनी सारी जानकारी आपके पास है, आपकी जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इतना सब संग्रह कर रखा है। मुझे लगता है हमारे दर्शक या इस कार्यक्रम को जो भी देखेंगे जुड़कर इतनी रोचक जानकारियां अर्जित करेंगे। और ये भी जरूरी है कि हम जानें, क्योंकि बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान होता है। सामान्य सी चीज है, ये पक्षी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि बचपन से जब ये इनका कलरव सुनते हैं तो हम बच्चे खुश हो जाते हैं, और पता नहीं कब हम उनके शत्रु बन जाते हैं। हमें उनका मित्र होना चाहिए था और वो शत्रुता पाल लेते हैं, उनकी हत्या करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, और उन्हें नष्ट नहीं करते हैं, हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं, हम अपने पर्यावरण को नष्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्टर राजीव कसंबे जी, आपने इतनी जानकारी दी, मुझे तो लगता है कम से कम 4-5 घंटे हम आपसे और बात करें तो मेरा तो मन नहीं भरेगा, और भी मुझे जानने और सुनने की इच्छा हो रही है। आपसे जानकारी नहीं, कविता सुनने जैसा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कहूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम सब कर रहे हैं, जिस दिशा में आप बढ़े हैं, जिस दिशा में डॉक्टर सालिम अली ने कदम बढ़ाया है, हमको उनके पदचिन्हों पर चलना है और ये कहना है, तुम रुकना, मैं अपने पदचिन्हों से कहता हूं कि वे चले आए, सूरज को किसी पहाड़ के पीछे रहने को कहना, और मेरा वो गीत सुनना, पक्षी फिर से उड़कर चले आएंगे हमारे पास। जी तो हम पक्षी को आमंत्रित करें, ये हमारे मित्र हैं, पक्षियों को यूं भी आप प्यार से देखें तो आपके करीब आकर बैठ जाते हैं। आप उन्हें दाना ना भी खिलाएं, आपके मन में ये फीलिंग्स आ जाए, भाव आ जाए कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे मन का प्यार वहां तक पहुंच जाए, हमारे हाथों पर आकर बैठेंगे और हाथों से दाना चुगने को तैयार है। लेकिन हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं वो इतनी दहशत फैलाती हैं कि पक्षी डर कर चले जाते हैं। हमें सिर्फ सिर्फ इतना करना है
कि इंसान बने रहना है, पक्षी पशु सब हमारे दोस्त हो जाएंगे, तितलियां हमारी मित्र हो जाएंगी और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे, दूसरों को अच्छा जीवन जीने देंगे। डॉक्टर राजू कसंबे जी, बहुत सारी जानकारी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, धन्यवाद कहें तो बड़ा छोटा शब्द लगता है हमें आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे और हमारे दर्शक पूरे देश से जुड़े हुए थे, सबने बड़ी तारीफ की है, सबको अच्छा लगा है और मुझे लगता है ये रोचक जानकारी दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजू कसंबे जी, आपने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।